चलिए गुड इवनिंग ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए क्लियर है एक बार थम्सअप दे दे रहा इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल क्लियर है सो वी वर डिस्कसिंग दिस क्विक रिविजन सीरीज फॉर डिफरेंट कोर्सेस जो लास्ट कोर्स हमने कंप्लीट किया था इट वॉज ऑफ हैव स्टार्टेड हाईवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे हमने स्टार्ट कर लिया था तो उसी को कंटिन्यू करेंगे विल कंटिन्यू विद दैट स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है प्रायर टू दी हे बेसिक अनाउंसमेंट्स सो फर्स्ट एन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड एस इज ओपनिंग इन डेली क्लासेस आपकी मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी तो जिन लोगों को भी ऑफलाइन सेंटर का एक्सपीरियंस लेना है ऑफलाइन क्लासेस लगानी है दे कैन अटेंड दिस बैच जो मार्च से स्टार्ट हो रहा है इट इस स्टार्टिंग फ्राम दी मार्च आई एल भी टेकिंग क्लासेज एट जो भी टॉपिक्स हैं जो भी टॉपिक्स मैंने प्लस पे कराए हैं सारे के सारे इस ऑफलाइन सेंटर में भी होंगे इफ यू टॉक अबाउट इफ यू टॉक अबाउट वॉट आर दिनिफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर द लर्नर्स जो एक्जस्टिंग प्लस और एकोनिक पे हैं दे गेटिंग फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन द टोटल कॉस्टिंग ऑफ दब्सक्रिप्शन दैन इफ दर्नर्स इज इन सम अदर इंस्टीट्यूट उनके लिए भी फिफ्टी परसेंट फ्लैट डिस्काउंट है दैन फॉर फर्स्ट फिफ्टी इनरोलमेंट्स थर्टी थ्री परसेंट ऑफ अवेलेबल है और ये कभी भी बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से पचास इनरोलमेंट हो गए होंगे अभी तक तो ये वाला ऑफर तो मेरे ख्याल से वैलिड नहीं है दैन डिस्काउंट इज़ ऑलसो अवेलेबल ऑन द बेस ऑफ मेरिट अगर आपकी गेट में थाउजेंड से कम रैंक है या पी एस यूज के इंटरव्यू में आपने अपेयर किया, किया हुआ है या मेन्स ई एस सी का अपेयर किया हुआ है दैन ट्वेंटी परसेंट ऑफ इज़ अवेलेबल यू कैन स्कैन दिस कोड आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट दी ट दमेशन अबाउट दी कोर्स भी कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है आप स्को कोड को स्कैन करके ले सकते हैं फॉर गेट ई एस सी सिविलेज मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इसके लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है अट्ठाइस जनवरी को न्यू बैच वॉज बिंग लॉन्च ऑन ट्वेंटी फाइव के लिए भी ट्वेंटी फोर दोनों के लिए हम बात करें टेन परसेंट प्राइस हाइक इज कमिंग सून मेरे ख्याल से जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा गेट और ई का टेन परसेंट हाइक भी आ जाएगी देन विल स्टार्ट विद द डिस्कशन अब हम हमारे डिस्कशन पे स्टार्ट करते हैं तो लास्ट के टॉपिक में हमने क्या बात करी थी पहला चैप्टर कंप्लीट किया था सो मैं दी लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर तो पहले चैप्टर में हमने बात करी थी रोड डेवलपमेंट की वेव टॉक्ट अबाउट रोड डेवलपमेंट फिर हमने बात करी थी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ये हमने डिस्कशन कर लिया था दिस डिस्कशन वॉज बीन कैरिड आउट सो नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ रोड नेटवर्क भी बताया था तो वी टॉक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड नेटवर्क सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड नेटवर्क भी हमारा कंप्लीट हो गया था ठीक है तो उसी में कंटिन्यू करते हैं सो विल कंटिन्यू इन दैट तो स्टार्ट करते हैं uh, उसमें आगे बढ़ते हैं इन टूडेज क्लास विल भी टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट यूनिट विच इज़ जियोमेट्रिक डिज़ाइन और यही आपके पूरे हाईवे इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ़ योर इंटायर हाईवे इंजीनियरिंग अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अगर हम बात करें इफ़ यू टॉक इन जनरल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम किन किन चीज़ों की डिस्कशन करेंगे सो so, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवे डील्स विद ऑल द डायमेंशंस हम यहाँ पे बात करेंगे सारी डायमेंशंस की हम बात करेंगे सारी लेआउट की किसकी ऑफ़ द विजिबल फीचर्स ऑफ द हाईवे जितने भी विजिबल फीचर्स हैं हाईवे के विजिबल मतलब जो जो फीचर्स आप देख सकते हो वॉट एवर फीचर्स दैट कैन बी सीन बाय अस तो जितने भी विजिबल फीचर्स हैं हमारे हाईवे के उसके लेआउट की और उसके डायमेंशंस की एनालिसिस करते हैं हम किसमें जोमेट्रिक डिजाइन में इस तरीके से विजिबल फीचर्स की एनालिसिस की जाएगी ताकि आपको मैक्सिमम एफिशेंसी मिले और कम से कम कॉस्ट पे और रीजनेबल सेफ्टी पे तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवे डील्स विद व्हाट? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे विल डील विद ऑल द डायमेंशन एंड लेआउट तो डायमेंशन की भी हम बात करेंगे लेआउट की भी हम बात करेंगे किसके जितने भी विजिबल फीचर्स हैं हमारे हाईवे के इस तरीके से कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले मिनिमम कॉस्ट पे और रीजनेबल सेफ्टी पे तो सेफ भी होनी चाहिए हमारी डिजाइन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी क्या निकल के आनी चाहिए मैक्सिमम निकल के आनी चाहिए तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में कौन कौन से विजिबल फीचर्स की हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट विच विजिबल फीचर्स इन ज्योमेट्रिक डिजाइन तो चार पांच विजिबल फीचर्स हैं जैसे पहला विल टॉक अबाउट वॉट विल टॉक अबाउट क्रॉस एक्शन एलिमेंट्स तो हाईवे का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसके एलिमेंट्स की हम बात करेंगे अभी देखते हैं एक एक करके आगे देन विल टॉक अबाउट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन हम साइड डिस्टेंस की बात करेंगे जितनी भी डिस्टेंस विजिबल है ड्राइवर के लिए रोड के ऊपर या हाईवे के ऊपर उसको हम बोल देते हैं साइड डिस्टेंस सो विल टॉक अबाउट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट हॉरिजोटल अलाइनमेंट हम हरिजोंटल अलाइनमेंट्स की बात करेंगे विल टॉक अबाउट वर्टिकल अलाइनमेंट्स हम वर्टिकल अलाइनमेंट्स की बात करेंगे और फाइनली हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की तो ये पांच चीज़ों की हम बात करेंगे इन ज्योमेट्रिक डिजाइन पहला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स तो मैं कोशिश करूंगा कि आज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आपके सारे कंप्लीट हो जाए तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स फिर हम बात करेंगे साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन फिर हम बात करेंगे हॉरिजोनटल अलाइनमेंट की फिर हम बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट की और फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन डिटेल्स की एम क्या है हमारा वॉट इज अवर एम एम है हमारा डायमेंशंस निकालना और लेआउट निकालना इन सारे फीचर्स का विल टॉक अबाउट दी डायमेंशंस एंड लेआउट ऑफ ऑल दी फीचर्स तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कॉस्ट मिनिमम होगी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और सेफ्टी भी क्या होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए सेफ्टी शुड बी रीजनेबल तो पहले एलिमेंट की हम बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट एलिमेंट नोन एज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट अब मेरे हिसाब से सबने हाईवे ऑब्जर्व कर रखा होगा प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑब्जर्व दी हाईवे तो उसके क्रॉस सेक्शन की भी विजुअलाइजेशन आपके सामने होगी इनफैक्ट इसका जो हमने पहला यूनिट किया था पहले यूनिट में मैंने आपको जितने भी तरह के रोड्स थे उन सबका क्रॉस सेक्शन दिखाया था वॉट एवर टाइप्स ऑफ रोड्स विच आर अवेलेबल विद अस जो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप हुए हैं उन सबका मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था तो उसी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्त क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स विल बी टॉक्ड अबाउट हेयर पर उनकी डिजाइनिंग करने से पहले उनकी डिजाइनिंग करने से पहले हमारे जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हैं इनकी डिजाइनिंग किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है इसकी बात करेंगे तो बिफोर डिजाइनिंग द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स विल टॉक अबाउट व्हाट आर फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स और वो सारे फैक्टर आप खुद बता सकते हो वो सारे फैक्टर आप खुद एनालाइज कर सकते हो जैसे अगर मुझे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की डिजाइनिंग करनी है आई हैव टू डिजाइन क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है हमारी वर्थ ऑफ द रोड तो आपको रोड की वर्थ निकालनी है या लेटर सपोज मीडियन प्रोवाइड करनी है आपको बीच में

टाइप ऑफ रोड के ऊपर रोड जैसा नेशनल हाईवे हो गया स्ट्रेट हाईवे हो गया ओडीआर हो गया एम हो गया तो जो डिजाइन स्पीड है वो डिपेंड कर जाएगी किसके ऊपर वो तो डिपेंड कर जाएगी टाइप ऑफ रोड के ऊपर और वो परमिसेबल वैल्यूज हमें कोड में दी हुई हैं दो परमिसेबल वैल्यूज आर गिवन टू अस इन सिंधी कोड अब डिजाइन स्पीड जो है व्हीकल की वो डिपेंडेंट है रोड के ऊपर पर वो डिसाइड करेगी किसे वो डिसाइड करेगी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जैसे विर्थ तो अगर डिजाइन स्पीड ज्यादा है तो आपको विर्थ क्या रखनी पड़ेगी ज्यादा रखनी पड़ेगी इफ डिजाइन स्पीड इज मोर फॉर व्हीकल, ऑफ़ क्रॉस सेक्शन इज टू विल कम आउट टू बी मोर क्लियर है तो इसका मतलब जो हमारी डिजाइन स्पीड है वो किस किस को गवन करती है वो विड्थ को गवर्न कर लेती है वो क्लियरेंस को गवर्न करेगी वो साइड डिस्टेंस को गवर्न करेगी जो कर्व का रेडियस आएगा वो उसको गवर्न करेगी जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे उसको गवर्न करेगी जो ट्रांजिशन निकल के आएगी ग्रेडियंट के अंदर उसको गवर्न करेगी जो लेंथ निकल के आएगी हमारी कर्व्स की चाहे वैली कर्व हो चाहे समिट कर्व हो उसको गवर्न करेगी इसका मतलब अगर मुझे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करनी है इफ आई हैव टू गो फॉर द ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग फर्स्ट आई हैव टू कंसिडर वॉट फर्स्ट आई हैव टू कंसिडर द डिजाइन स्पीड तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है डिजाइन स्पीड डिजाइन स्पीड किस पे डिपेंडेंट है डिजाइन स्पीड डिपेंडेंट है टाइप ऑफ रोड के ऊपर तो पहला फैक्टर क्या निकल के आ गया पहला फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग को गवर्न करता है वो है हमारी डिजाइन स्पीड द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर इज डिजाइन स्पीड तो पहला फैक्टर जो गवर्न करेगा इनकी डिजाइनिंग को उसको हम क्या बोल देंगे उसको बोल देंगे डिजाइन स्पीड दूसरा फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग को गवर्न करेगा तो सेकंड ऑफ फैक्टर दि गवर्न डिजाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हाईवे इज टोपोग्राफी तो सेकंड ऑफ फैक्टर इज टोपोग्राफी अब ये भी आप खुद बता सकते हो हाउ टोपोग्राफी विल डिसाइड डिजाइनिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स टोपोग्राफी गवर्न करता है किसको डिजाइन स्पीड को अभी मैंने क्या बताया था कि डिजाइन स्पीड डिपेंडेंट है टाइप ऑफ रोड के ऊपर पर डिजाइन स्पीड टोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंडेंट है स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉट टोपोग्राफी तो हमारी जो टोपोग्राफी है वो किसे गवर्न करती है सो टोप्राफी और ट्रेन कंडीशन इन्फ्लुंस दिजाइन स्पीड विच इन टन गिजाइनिंग ऑफ दाइवे एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं टाइप ऑफ रोड है स्टेट हाईवे टाइप ऑफ रोड है स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे में प्लेन ट्रेन के अंदर हमारी परमिशबल स्पीड कितनी है अगर स्टेट हाईवे है और टोपोग्राफी प्लेन है तो परमिशबल स्पीड कितनी है दी परमिशबल स्पीड इज हंड्रेड किलोमीटर पर आवर पर अगर यही हमारी रोलिंग ट्रेन हो जाए स्टेट हाईवे के ऊपर हमारी परमिशबल स्पीड हो जाएगी एट्टी किलोमीटर पर आवर यही अगर हमारी माउंटेनस ट्रेन हो जाए परमिशबल स्पीड हो जाएगी फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो इसका मतलब यह हुआ कि डिजाइन स्पीड टाइप ऑफ रोड के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही पर वो साथ में और किसके ऊपर डिपेंडेंट है टोपोग्राफी के ऊपर इसका मतलब अगर मुझे ये हाईवे के एलिमेंट्स करने हैं मुझे क्या देखना पड़ेगा मुझे टोपोग्राफी भी चेक करनी पड़ेगी तो दूसरा फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग गवर्न करता है वो क्या बन गया वो बन गया हमारी टोपोग्राफी थर्ड ऑफ द फैक्टर तीसरा फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग गवर्न करता है वो है ट्रैफिक कंडीशन या ट्रैफिक फैक्टर्स सो थर्ड ऑफ दंडीशन विच गवर्स डिजाइनिंग ऑफ

दी सेकेंड इज व्हीकल सिक्स अब ये ह्यूमन और व्हीकल सिक्स क्या है इसको भी समझ सकते हैं पहला व्हीकल सिक्स अगर मुझे हाईवे के एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं मुझे व्हीकल की प्रॉपर्टीज या व्हीकल के सिक्स की भी एनालिसिस करनी पड़ जाएगी व्हीकल का कैरेक्टरस्टिक्स जैसे साइज ऑफ द व्हीकल कि हमारा जो व्हीकल है उसकी साइज क्या है हमारा जो व्हीकल है उसका वेट कितना है और दी वेट ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल अगर हम बात करें ह्यूमन कैरेक्टरस्टिक्स की ह्यूमन कैरेक्टरस्टिक्स में सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल और ये ह्यूमन में हम किस किस को इन्वॉल्व करेंगे ह्यूमन में इन्वॉल्व करेंगे ड्राइवर को जो व्हीकल चला रहा है और पेडेस्ट्रन को जो हमारे रोड के ऊपर चल रहा है तो ह्यूमन कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट ड्राइवर विल आल्सो बी अंडरस्टूड एंड पेडेस्ट्रन विल आल्सो बी अंडरस्टूड कौन कौन से कैरेक्टर्स इस समझोगे ड्राइवर और पेडेस्ट्रन के एक उसकी फिजिकल दूसरा मेंटल और तीसरा साइकोलॉजिकल इसका मतलब है ट्रैफिक फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं हमें किसकी डिजाइनिंग के अंदर ट्रैफिक फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं किसकी डिजाइनिंग के अंदर डिजाइनिंग ऑफ हाईवे एलिमेंट्स क्लियर चीज रिपीट करना है इस कुछ भी एनी ऑफ टू दर फ्रॉम दिस फॉर एनी तो पहला फैक्टर आ गया डिजाइन स्पीड दूसरा फैक्टर आ गया टोपोग्राफी जो टोपोग्राफी है वो गवन कर देती है डिजाइन स्पीड को तो एक ही बात है आप टोपोग्राफी भी बोल सकते हो आप डिजाइन स्पीड भी बोल सकते हो इट इज वन एंड एन दिंग दर्ड तीसरा तो हो गया द फोर्थ ऑफ द फैक्टर द द फोर्थ ऑफ फैक्टर इज आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी चौथा फैक्टर जो इन सारे एलिमेंट्स की डिजाइनिंग को गवर्न करता है वो है वॉल्यूम सो यू कैन से वॉल्यूम और कैपेसिटी तो वॉल्यूम बोल दो और यू कैन से कैपेसिटी यानी कितने व्हीकल चलने वाले हैं हमारे रोड के ऊपर अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो यू कैन से हार्ली वॉल्यूम और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ द रोड ऑब्वियसली बात है अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है हाईवे एलिमेंट्स की तो जो वॉल्यूम है व्हीकल्स का वो तो वेरी करता रहेगा इट विल नॉट बी सेम थ्रू आउट दी डे पूरे दिन में सेम नहीं रहेगा हर दिन सेम नहीं रहेगा इट विल नॉट बी सेम फॉर ऑल दी डेज और किसी भी एक पर्टिकुलर डे पे भी सेम नहीं रहेगा इसका मतलब अगर आपको हाईवे के एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं तो मुझे कौन सा वॉल्यूम उठाना पड़ेगा अगर मुझे हाईवे के एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं हाईवे के एलिमेंट कौन कौन से हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है साइड डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वर्टिकल अलाइनमेंट है इंटरसेक्शन के डिटेल्स हैं अगर मुझे इसको डिजाइन करना है मुझे कौन सी वॉल्यूम कंसिडर करनी पड़ेगी मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम कंसिडर करनी पड़ेगी आई हैव टू कंसिडर वॉट मैक्सिमम वॉल्यूम जिसको हम पीक आर्ली वॉल्यूम भी बोलते हैं विच इज ऑल्सो टर्म डेज वॉट पीक आर्ली वॉल्यूम पर इसमें भी एक दिक्कत है अगर आपने पीक आर्ली वॉल्यूम के लिए डिजाइनिंग कर दी इन एलिमेंट्स की इट विल बिकम हार्ली एल इनक्रॉमिकल अगर आपने पीक आर्ली वॉल्यूम के लिए डिजाइनिंग कर ली इन सारे एलिमेंट्स की इट विल बिकम हाईलीकोनॉमिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल के आएगी तो फिर हम किसको को कंसिडर करते हैं हम कंसिडर करते हैं डिजाइन आर्ली वॉल्यूम को अब डिजाइन आर्ली वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है वो आगे वाले टॉपिक्स में आएगा पर अभी के लिए वी शुड नो वॉट वी शुड नो डिजाइन आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी विच विल हेल्प इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स जो हेल्प करेगा इन सारे एलिमेंट्स की डिजाइनिंग के अंदर क्लियर है तो पहला फैक्टर डिजाइन स्पीड आ गया दूसरा फैक्टर हमारी टोपोग्राफी आ गया तीसरा फैक्टर ट्रैफिक के फैक्टर्स आ गए ट्रैफिक के फैक्टर के अंदर व्हीकल के करेक्टरसिक्स भी हैं और ह्यूमन के करेक्टर भी हैं है। चौथा फैक्टर कि भैया कितने व्हीकल चलने वाले हैं क्लियर है चीज लास्ट ऑफ द फैक्टर विच विल गवर्न द डिजाइनिंग ऑफ ऑल दी, दी हाईवे एलिमेंट्स आर इनवायरमेंटल फैक्टर्स चौथे फैक्टर को हम क्या बोल देते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये भी आप खुद बता दोगे नेक्स्ट ऑफ दी फैक्टरमेंटल फैक्टर अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है एस्थेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है एयर पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है नॉइज पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है लैंडस्केपिंग आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके जो डिजाइनिंग है वो कितना एयर पोल्यूशन। क्रिएट कर रही है कितना नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही है आपके डिजाइनिंग करने के बाद जो हाईवे है या जो रोड है इन जनरल देखने में कैसी लग रही है तो ये फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं हमारे डिजाइनिंग डिजाइनिंग के अंदर दिस फैक्टर इन ऑफ हाईवे एलिमेंट्स तो हमें बात करनी है किसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स की डिजाइनिंग के लिए मुझे कौन कौन से फैक्टर देखने पड़ेंगे मुझे ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे आई हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स क्लियर है चले आगे कोई तो पहला फैक्टर कौन सा है, पहला है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एलिमेंट फर्स्ट ऑफ फैक्टर इस टर्म इज वॉट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट तो पहला हम बात करेंगे किसकी विल बी टॉकिंग अबाउट हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स नाउ हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ फ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ दाईवे एलिमेंट इज नोन एज हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स तो हाईवे का जो क्रॉस सेक्शन है हम उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे पहला हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज पेमेंट सरफेस कैरेक्टरसिक्स आपके जो पेमेंट की सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरसिक्स दूसरा क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट में क्या आएगी अन ईवननेस कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें कितनी अनइवननेस प्रेजेंट है तो यह दूसरा हमारा एलिमेंट बन जाएगा दिस विल बी सेकेंड एलिमेंट देन इसके बाद हम बात करेंगे किसकी विल बी टॉकिंग अबाउट वॉट तो पहला तो आपकी पेमेंट के कैरेक्टरसिक्स दूसरा विल बी टॉकिंग अबाउट अनइवननेस तीसरा विल बी टॉकिंग अबाउट विल बी टॉकिंग अबाउट स्लोप कौन सी स्लोप क्रॉस स्लोप या कैम्बर विल बी टॉकिंग अबाउट स्लोप स्लोप को आप इन जनरल बोल सकते हो क्रॉस स्लोप या कैंबर उसकी ड्रेनेज कैसी है तो पहले हम बात करेंगे पेमेंट के करेक्टरसिक्स की फिर हम बात करेंगे उसकी क्रॉस स्लोप या कैम्बर दोनों में से कोई सा भी नाम दे सकते हो टॉक अबाउट वॉट उसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट के विर्थ की विल टॉक अबाउट ऑफ दर्थ कितनी है क्रॉस स्लोप कितनी है और जो पेमेंट का सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है वॉट अबाउट दॉपर्टीजेस फिर इसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की विल टॉक अबाउट मीडियम मीडियन को एक और नाम दिया जाता है मीडियन को बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर तो विल टॉक अबाउट ट्रैफिक सेपरेटर ऑल्सो तो हम बात करेंगे किसकी ट्रैफिक सेपरेटर अच्छा जनरल फॉर्म इसको क्या बोल देते हैं जनरल फॉर्म में इसको आप बोल देते हो डिडर तो मीडियन टेक्निकली बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर टेक्निकली बोलते हैं आप इसको क्या बोल देते हो आप इसको डिवाइडर बोल देते हो देन विल टॉक अबाउट कर्ब हम बात करेंगे कब की ये भी सबने देख रखा होगा तो हम कर्ब की भी बात करेंगे सो विल बी टॉकिंग अबाउट दी कब तुम्हारे पेमेंट के सर्फिस कैरेक्टर सिक्स हो गए देन हमने विथ्थ की बात कर ली हमने स्लोप की बात कर ली हमने मीडियम की बात कर ली हमने कर्ब की बात कर ली देन विल बी टॉकिंग अबाउट शोल्डर्स तो ये भी क्रॉस एक्शन एलिमेंट है हम किसकी बात करेंगे हम शोल्डर की भी बात करेंगे विल टॉक अबाउट शोल्डर्स और फाइनली हम बात करेंगे किसकी Finally, हम बात करेंगे रोड मार्जिन की फाइनली विल बी अबाउट रोड मार्जिन और रोड मार्जिन के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट निकल के आते हैं इन रोड मार्जिन मतलब यह है, क्रॉस एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल विद एस तो एक एक करके सारे क्रॉस एलिमेंट की डिस्कशन करेंगे तो पहला क्रॉस एलिमेंट क्या है टू <laughs> कर वर्टिकल हॉरिजोंटल बेटा वो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट नहीं है

लेट सपोज ये हमारा जनरल डायग्राम है सारी चीजें दिखानी हैं सारी चीजें कैसे दिखा पाएंगे चलो कोशिश करते हैं सारी चीजें दिख जाए आपको सो आई ट्राई दैट यू आर एबल टू सी ऑल दी कंपोनेंट्स डायग्राम स्केल पे नहीं है डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल तो डायग्राम हमारा ये स्केल पे नहीं है सो so, डायग्राम इज नॉट ऑन दी स्केल तो कोशिश करिए मैंने सारी चीजें दिख जाए कि सारी चीजें दिख जाए आपको <laughs> देखो कौन कौन सी है ये मेरा क्रॉस सेक्शन है क्रॉस सेक्शन दी क्रॉस सेक्शन अब किन किन चीजों की बात करेंगे हम बात करेंगे पेमेंट के सरफेस के कैरेक्टर की तो जो पेमेंट का सरफेस है तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टर पहली चीज फिर हम बात करेंगे किसकी हम बात करेंगे स्लोप की दिस इज नोन एज कैम्बर हम बात करेंगे मीडियन की विल टॉक अबाउट ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन विल टॉक अबाउट कर्ब हम कर्ब की बात करेंगे विल टॉक अबाउट शोल्डर्स हम शोल्डर्स की बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट वॉट विल टॉक अबाउट रोड मार्जिन ऑल्सो अब रोड मार्जिन यहां पर नहीं है देर इज नो रोड मार्जिन हि उसके लिए मेरे को और बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है वो बड़ा डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको हम डिस्कस करते रहेंगे पर एक बेसिक आइडिया दे दिया वे इंक्लाइंट स्लोप देर इज नो कैम्बर आपने इंक्लाइंट स्लोप दिखाया है अच्छा कोई कैंबर नहीं है इंक्लाइंट स्लोप दिखाई है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस द फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरस्टिक्स जो पहली प्रॉपर्टी हम उठाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे द फर्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरस्टिक्स अब क्या है पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरसिक्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरस्टिक्स है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर द पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरस्टिक्स डिपेंड्स अपॉन पेमेंट टाइप तो यह डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर ये पेमेंट की टाइप के ऊपर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इट विल डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ पेमेंट टाइप ऑफ पेमेंट मतलब कि आपकी पेमेंट फ्लेक्सिबल है आपकी पेमेंट रिजिड है सो इट विल डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट है या रिजिड पेमेंट है नेक्स्ट पेमेंट का टाइप किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा पेमेंट का टाइप डिपेंड कर जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल के ऊपर इट विल डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल इट विल डिपेंड अपॉन कॉस्ट इट विल डिपेंड अपॉन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रैफिक इट विल डिपेंड अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इट विल डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन तो जो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करते हैं पेमेंट के टाइप के ऊपर दो तरह की पेमेंट है फ्लेक्सीबल पेमेंट है और रिजिड पेमेंट है हम कौन सी पेमेंट बनाएंगे ये डिपेंड कर जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर लेटर सपोज सीमेंट रेडीली अवेलेबल है अगर सीमेंट रेडीली अवेलेबल है पास में ही सीमेंट की फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे किसे हम प्रेफर करेंगे रिजिड पेमेंट को देन कॉस्ट कॉस्ट अगर कम है वील गो फॉर फ्लेक्सीबल पेमेंट कॉस्ट अगर ज्यादा अवेलेबल है वील गो फॉर रिजिड पेमेंट इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रैफिक अगर ट्रैफिक जो मूव कर रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है वॉल्यूम ज्यादा है लोड ज्यादा है विल गो फॉर रिजिट पेमेंट इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए तो पहली बात तो क्या डिस्कस करी कि पेमेंट की जो सर्फेस है वो डिपेंड कर जाएगी किसके ऊपर पेमेंट के टाइप के ऊपर अब जो पेमेंट सर्फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते क्या हैं देर आर फोर पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरस्टिक्स चार पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरसिक्स हमारे पास पहला फ्रिक्शन दूसरा अनिवननेस तीसरा उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और चौथी उसकी ड्रेनेज तो पहली फ्रिक्शन दूसरी अनिवननेस तीसरी उसकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी और चौथी उसकी ड्रेनेज की प्रॉपर्टी कि आपकी जो पेमेंट है कितनी इफेक्टिवली ड्रेनेज करा रही है आपकी जो पेमेंट है उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज क्या हैं आपकी जो पेमेंट है उसके ऊपर कितनी अनइवननेस है अनइवननेस को अभी टेक्निकली डिफाइन कर दूंगा आगे और कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है इट मींस देयर आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ पेमेंट सरफेस तो पहला हाईवे एलिमेंट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट पहला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरसिक्स कौन कौन से कैरेक्टरसिक्स पेमेंट सर्फेस के ये चार कैरेक्टरसिक्स पेमेंट सरफेस के तो फ्रिक्शन अनइवननेस ड्रेनेज एंड रिफ्लेक्शन क्लियर रिपीट करना है इसमें से कुछ भी चले आगे चलो पहला उठाते हैं द फर्स्ट ऑफ पेमेंट दर्फेस कैरेक्टर फ्रिक्शन द फर्स्ट ऑफ पेमेंट इज दर्फेस फ्रिक्शन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा वही तो बता रहे हैं आगे देखो कहां पे कौन से नंबर पे वो बताओ शुभम ये देखो इसको बोलते हैं वन इसको बोलते हैं टू इसको बोलते हैं थ्री अभी मैंने फ्रिक्शन के ऊपर गोला बनाया तो अभी शुरुआत में मैं किसकी बात करूंगा फ्रिक्शन की फिर मैं गोला बनाऊंगा अनइमननेस के ऊपर फिर हम बात करेंगे अनइमननेस की फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज की तो आएगी भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो जो नंबर तीन पे है वो मैं आपको पहले बता दूं तो ये तीसरे नंबर पे है ना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो वो पहले बता दूं फिर तो आखिरी चैप्टर अभी खत्म करा देता हूं

ये जो फ्रिक्शन है ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग स्पीड एंड द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग दी व्हीकल जो फ्रिक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है जो फ्रिक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है पहला फ्रिक्शन क्या डिसाइड करता है व्हीकल की ऑपरेटिंग स्पीड दूसरा फ्रिक्शन क्या डिसाइड करता है स्टॉपिंग डिस्टेंस मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर व्हीकल कि कम से कम इतनी दूरी तो लगेगी व्हीकल को रुकने के लिए अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे डिजाइनिंग के अंदर क्लियर है चीज चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये जो फ्रिक्शन है इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं इसकी तो स्लाइड भी है मेरे पास इसकी स्लाइड भी हमारे पास तो पहले क्या बोला फ्रिक्शन इट डिसाइड्स यू ऑपरेटिंग स्पीड एंड मिनिमम डिस्टेंस ये दोनों बात डिसाइड करता है नेक्स्ट जो फ्रिक्शन है इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है एक अलोंग लेंथ एक अलोंग देंथ लेंथ लेंथ ऑफ वॉट लेंथ ऑफ द रोड पहला लेंथ ऑफ रोड इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन अभी जो मैंने ये डायग्राम बना के दिया है आपको रोड का कौन सा डायग्राम है ये प्लान है दिस इज द प्लान तो जो फ्रिक्शन रोड की लेंथ के लॉन्ग लग रहा होता है इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन दिस इज टेक्निकली टर्मडस वॉट लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लेंथ है हमारे रोड की इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रही होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस इज टेक्निकली टर्मडस लेटरल और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन तो दो नाम दे दिए लेटरल और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन किसे गवर्न करता है ऑपरेटिंग स्पीड को क्लियर है चीज दूसरा फ्रिक्शन किसे गवर्न करता है मिनिमम कितनी डिस्टेंस चाहिए व्हीकल को रुकने के लिए दो तरह के फ्रिक्शन है एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है और एक लेटरल फ्रिक्शन है क्लियर है चीज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैक्सिमम फ्रिक्शन कब डेवलप होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन तब डेवलप होगी जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करोगे कंप्लीट एक्सटेंड तक अब ये मैकेनिज्म भी आपको पता है सबने अपने व्हीकल के अंदर ब्रेक को अप्लाई करते हुए देखा होगा लेट अस सपोज ये हमारा व्हीकल है ये हमारे ब्रेक शू हैं दीज आर दी ब्रेक शूज सो तो दीज आर दी ब्रेक शूज जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो ब्रेक शू क्या करता है जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो ब्रेक शू क्या करता है कॉन्टेक्ट में आता है टायर के ये हमारा व्हील है या टायर बोल दो ब्रेक शू आके आपके व्हील को क्या करेगा ब्रेक शू आके आपके व्हील को क्या करेगा व्हील को कंप्रेस करेगा रेजिस्टेंस डेवलप होगी उस रेजिस्टेंस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं फ्रिक्शन बोल देते हैं That is technically as word, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कब डेवलप होगी मैक्सिमम फ्रिक्शन तब डेवलप होगी जब आप अपनी ब्रेक्स क्या करोगे फुल्ली अप्लाई कर दोगे वेन इट इज अप्लाइड टू कंप्लीट एक्सटेंट क्लियर है चीज तो एक बात ये भी समझ में आती है वन ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिस ऑल्सो चलो ब्रेक शू से टायर घिसते नहीं उसकी तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे तो ब्रेक शू से टायर घिसते नहीं uh, जब टायर घूम रहा होता है तो फ्यूल कंज्यूम होता है उससे एयर पोल्यूशन भी होता है तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे यहां भाई उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा मैं तो फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन चलो आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन so we'll है इट ऑल्सो गवर्नस द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल हमारा जो फ्रिक्शन है ये ऑपरेटिंग स्पीड डिसाइड करता है ये मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा व्हीकल रुकने से पहले उसको डिसाइड करता है और फ्रिक्शन ये भी गवर्न करता है कि व्हीकल में आपको ट्रांसलेशन मोशन मिलेगा या रोटेशनल मोशन मिलेगा क्लियर है इस बात को समझने के लिए आपके सामने व्हीकल बना हुआ है व्हीकल का टायर दिखा रखा है टायर बोल दो व्हील बोल दो पहली मोशन The first of the motion is known as translation motion. तो उसको denote कर रखा है किससे? T से। Translation motion को technically कैसे define कर सकते हो? Translation motion को technically कैसे define कर सकते हो? How we can say that vehicle is under translation motion? इसका मतलब क्या हुआ? उसकी displacement हो रही है। अब ये बोल सकते हो translation motion है। इसका मतलब उसकी displacement हो रही है with respect to time। दूसरी है उसकी rotational motion। The second of the motion is termed as rotational motion. इसका मतलब इस बार भी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है कैसे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट सो नाउ द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो दो तरह के मोशन है एक ट्रांसलेशन मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है क्लियर है चीज तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल नाउ दी पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इस ट्रांसलेशन मोशन को रजिस्ट कौन करता है इस ट्रांसलेशन मोशन को रजिस्ट करती है फ्रिक्शन इस ट्रांसलेशन मोशन को रजिस्ट कौन करता है फ्रिक्शन रजिस्ट करता है कौन सा फ्रिक्शन टाइप लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन तो ट्रांसलेशन मोशन को रजिस्ट कौन करता है फ्रिक्शन 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 टाइप ऑफ नाउ पॉइंट इज अगर आपका लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन ज्यादा हुआ अगर आपका लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन ज्यादा हुआ इफ लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन इज मोर तो उस सिचुएशन में आपको ट्रांसलेशन मिलेगी उस सिचुएशन में आपको रोटेशनल मोशन मिलेगा ठीक है बिल्कुल सही बात है लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन एब्सुल्यूटली करेक्ट रोटेशन नहीं होगा तो अगर हमारा बिल्कुल सही बात है फैसिनेटिंग इंजीनियर एब्सोल्यूटली करेक्ट ये देखो पहला आंसर ही सही दे दिया इसने. तो अगर लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन ज्यादा है इफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज मोर देन रोटेशन विल नॉट टेक प्लेस रोटेशन नहीं होगा आपको बस क्या मिलेगी वॉट यूल बी गेटिंग यू विल बी गेटिंग ओनली ट्रांसलेशन मोशन इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन होती जाएगी व्हीकल घूमेगा नहीं ट्रांसलेशन मोशन हो रही है घूम नहीं रहा। इस इस को को हम हम क्या बोलते है? इस situation को हम बोलते हैं? हैं तो अगर translation motion, rotational motion से ज्यादा निकल के आ जाए इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है इसको टेक्निकली स्किडिंग बोला जाता है इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कैसे वेन दाथ ट्रेवल्ड अलॉन्ग रोड सरफेस इज मोर देन दर्कम्फ्रेंशियल मूवमेंट अगर रोड के ऊपर जो पाथ ट्रेवल कर रहा है हमारा व्हीकल वो ज्यादा निकल के आ जाए किससे सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट मतलब टू पाई आर तो एक रोटेशन में कितनी दूरी चलनी चाहिए टू पाई आर पर अगर एक रोटेशन में टू पाई आर से ज्यादा दूरी चल गया व्हीकल इसको मैं क्या बोल दूंगा इसको मैं बोल दूंगा स्किड तो अगर लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो आपको क्या मिलेगा ट्रांसलेशन मोशन मिलेगा रोटेशनल मोशन नहीं मिलेगा इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं स्किटिंग क्लियर है अच्छा इसका इंपैक्ट क्या होगा इसका इंपैक्ट होगा आपका टायर बर्न कर जाएगा अगर ये टायर मेरा स्किड कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन टायर क्या कर जाती है बर्न कर जाती है तो आपके टायर में जो वेयर एंड टेयर होती है वो किसकी वजह से होती है आपके टायर में जो वेयर एंड टेयर होती है वो स्किडिंग की वजह से होती है द वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर टेक्स प्लेस ड्यू टू वॉट स्किडिंग ओनली स्किडिंग कब हुई जब लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन क्या हुआ ज्यादा हुआ सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर हमारा लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन कम है इफ लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन इज लेस अब आपको क्या नहीं मिलेगा ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा अब आपको रोटेशन मिलेगा अगर लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन कम है तो उस केस में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी क्या मिलेगी हमें रोटेशन मिलेगी अगर रोटेशन हो रही है और ट्रांसलेशन नहीं हो रही है इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्लिप जैसे एग्जाम्पल अगर हमारी गाड़ी का टायर सैंड में स्टक हो जाए अगर हमारे गाड़ी का टायर सैंड में या मड में स्ट्रक हो जाए आप एक्सलरेटर देते हो टायर घूम रहा होता है पर गाड़ी आगे नहीं चल रही होती भाई क्लियर है पर आगे चल नहीं रही होती है इसका मतलब क्या हुआ <coughs> इसका मतलब गाड़ी में स्लिप है इट मींस देर इज अ स्लिप इन दी व्हीकल इसका मतलब रोटेशनल मोशन ज्यादा है किससे ट्रांसलेशन मोशन से इसका मतलब यह है कि जो सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट है वो तो टू पाई आर है पर जो ट्रांसलेशन मोशन है वह टू पाईआर के बराबर नहीं है इट इज नॉट इक्वल टू टू पाईआर तो अगर रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशन मोशन से ज्यादा है वील से इट इज स्लिप पर अगर ट्रांसलेशन मोशन रोटेशनल मोशन से ज्यादा है हम इसको क्या बोल देते हैं हम इसको बोल देते हैं स्किड अच्छा इसका इंपैक्ट क्या होता है वॉट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस स्किडिंग का इंपैक्ट है टायर बर्न कर जाएगा स्लिपिंग का इंपैक्ट क्या है स्लिपिंग का इंपैक्ट है फ्यूल बर्न कर जाएगा आपकी गाड़ी नहीं चलेगी पर फ्यूल बर्न करता रहेगा

ऑपरेटिंग स्पीड को फ्रिक्शन गवन करता है किसको मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल फ्रिक्शन किसको गवन करता है रोटेशनल और ट्रांसलेशन मूवमेंट को इट ऑल्सो गवन रोटेशनल ट्रांसलेशन मोशन अगर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है रोटेशनल मोशन नहीं है या ट्रांसलेशन ज्यादा है रोटेशनल से हम इसको बोल देंगे स्किड अगर रोटेशनल ज्यादा है ट्रांसलेशन से हम इसको बोल देंगे स्लिप अच्छा यहां पे एक टर्म और आती है वॉट डू यू मीन बाय प्योर स्किड प्योर स्किड का मतलब क्या होगा प्योर स्किड का मतलब है रोटेशनल मोशन जीरो और प्योर स्लिप का मतलब क्या है प्योर स्लिप का मतलब है ट्रांसलेशन मोशन जीरो तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया तो प्योर स्किड इट मीनस रोटेशनल मोशन जीरो ओनली ट्रांसलेशन बिल्कुल सही बात है गुप्ता और अगर प्योर स्लिप है इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन जीरो हो जाएगी हमारी सिर्फ रोटेशनल मोशन मिलेगी स्किड की वजह से रोड में भी वेर एंड टेयर होता है बेटा वेर एंड टेयर दोनों चीज़ों के बीच में होगा दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होती है मेरे हिसाब से जब हम बारहवीं क्रॉस करके इंजीनियरिंग में आते हैं हमें यह पता होता है कि जो फ्रिक्शन है जिन भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जिन भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है उन दोनों बॉडी के ऊपर ये फ्रिक्शन डेवलप होती है मेरे हिसाब से तो ये बात बारहवीं में बताई जाती है इसीलिए मैं जब इस ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूं तभी फ्रिक्शन देखेगा पर अगर मैं इन दोनों का एफ बनाऊंगा मेरे को फ्रिक्शन देखेगा ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है तो ये इक्वल एंड डायरेक्शन में लगता है पर मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी क्या है व्हीकल है तो मैं बात व्हीकल की कर रहा हूं आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है रोड है तो हां रोड के ऊपर भी फ्रिक्शन लग रही है तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा दो चीजों के बीच में देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू एंटिटीज फ्रिक्शन विल डेवलप और फ्रिक्शन दोनों के ऊपर लगेगी इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगी पर डायरेक्शन अपोजिट होगा डायरेक्शन विल भी मोर अपोजिट स्किड मोर डेंजरस और स्लिप अब मुझे नहीं पता आप डेंजरस किसे बोल रहे हो अब मुझे यह भी नहीं पता आपके लिए डेंजरस कौन सी चीज है कि फ्यूल का बरना ज्यादा डेंजरस है आपके लिए या टायर का बर्न होना ज्यादा डेंजरस है आपके लिए अब डेंजरस एक सब्जेक्टिव चीज है सब्जेक्टिव थिंग तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछते स्लिप में टायर वॉन होता है स्लिप में टायर वॉन नहीं होता है स्लिप में बताए ना फ्यूल बर्न होता है टायर बर्न नहीं होती है प्योर वाली लाइन एक बार और बता दीजिए प्योर वाली लाइन ये बताई दी आपको अगर प्योर स्केटिंग है प्योर स्केटिंग मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन मतलब रोटेशनल मोशन जीरो अगर प्योर स्लिपिंग है प्योर स्लिपिंग मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन अगर सिर्फ रोटेशनल मोशन इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन जीरो तो प्योर स्किड में सिर्फ ट्रांसलेशन प्योर स्लिप में सिर्फ रोटेशनल मोशन चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं तो वही सारी बातें बता दी यहां पे ऑल दीज पॉइंट्स आर एफर्ट प्योर स्किड रोटेशनल मोशन जीरो तो यही तो बताया भाई और क्या बताया तो प्योर स्किड इसका मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन सिर्फ का मतलब यही है कि ट्रांसलेशन मोशन इज नॉट जीरो नहीं है क्या जीरो मोशन जीरो मोशन इज जीरो सारी बातें लिखी हुई है ऑल दिस पॉइंट्स आर बीइंग मेशनड चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो पहला हमारा पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरसिक्स क्या है फ्रिक्शन अब हम बात कर रहे हैं किसकी अब हम बात कर रहे हैं जो फ्रिक्शन है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है ये जो फ्रिक्शन है ये किन के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रिक्शन किसे गवर्न करता है ये हमने देख लिया पर फ्रिक्शन को कौन गवर्न करता है अब इसकी बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ पेमेंट सर्फेस हमारी पेमेंट सर्फेस कैसी है बिटूमन की है कॉन्क्रीट की है सॉइल की है सॉइल मतलब क्या हुआ Soil मतलब अर्थवर्क नेक्स्ट रफरेस ऑफ द पेमेंट आपका जो पेमेंट है उसकी रफरस कितनी ज्यादा है तीसरा कंडीशन कैसी है आपके पेमेंट के सरफेस की कंडीशन मतलब हमारा पेमेंट सरफेस ड्राई है हमारा पेमेंट सरफेस वेट है हमारा पेमेंट सरफेस स्मूथ है या रफ है तो कंडीशन ऑफ द पेमेंट सरफेस तीसरा इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द टायर तो फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ द टायर कि हमारा टायर पुराना है या टायर नया है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हीकल की स्पीड पर भी डिपेंड करता है अगर हाई स्पीड है फ्रिक्शन आपको कम मिलेगा अगर लो स्पीड है फ्रिक्शन आपको ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली बात है कैसे अगर स्पीड ज्यादा है इफ द स्पीड इज मोर टायर का जो कांटेक्ट है पेमेंट के साथ वो रिड्यूस हो जाएगा अगर वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन आपको कम मिलेगा द फ्रिक्शन विल कम आउट टू बी लेस नेक्स्ट फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन

टाइप ऑफ पेमेंट दूसरा रेफरेंस ऑफ दीसरा कंडीशन ऑफ दौथा स्पीड ऑफ देंट ऑफ द्रेक एप्लीकेशन और फाइनली टेम्परेचर क्लियर चीज रिपीट करना है कुछ भी? अब एक बेसिक जानकारी की डिस्कशन करते हैं मैंने एक नोट लिखा हुआ नीचे न्यू टायर इज मोट डिपेंडेबल इन एडवर्स कंडीशन एक इंफॉर्मेशन दिया आपको कि न्यू टायर इज मोट डिपेंडेबल इन एडवर्स कंडीशन अब एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स कंडीशन टेम्परेचर पर कैसे टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा कम हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ जो पेमेंट सर्फेस है वह आपको सॉफ्ट मिलेगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देमेंट सर्फेस विल बिकम मोर सॉफ्ट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द टायर विल ऑल्सो बिकम मोर सॉफ्ट कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाती है कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगी इस बात का मतलब क्या हुआ कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया इस बात का मतलब क्या हुआ फ्रिक्शन आपको ज्यादा मिलेगी चलो आगे हम बात करते हैं लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है न्यू टायर इज मोर डिपेंडेबल इन एडवर्स कंडीशन अब एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या है एडवर्स कंडीशन कंडीशन का का मतलब का मतलब बारिश आ रही है है एडवर्स वेट वेट सरफेस सरफेस इज तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाती है हमारी क्या फ्रिक्शन की वैल्यू अब इसको समझने की कोशिश करते हैं विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओल्ड टायर और न्यू टायर की बात करते हैं ओल्ड टायर और न्यू टायर की बात करते हैं ड्राई सरफेस और वेट सरफेस की बात करते हैं इसके लिए डायग्राम भी है मेरे पास आई हैव द्राम फॉर दिस सो आई है डायग्राम फॉर दिस देखो पहला ओल्ड टायर दूसरा न्यू टायर न्यू टायर है इस बात का मतलब क्या हुआ न्यू टायर है इस बात का मतलब है उसके ऊपर रिब्स अवेलेबल है ओवर दिस रिब्स आर अवेलेबल तो नए टायर के ऊपर रिब्स अवेलेबल है पुराने टायर के ऊपर रिब्स क्या हो गए वेयर आउट कर गए इसका मतलब यहां पर कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है या सरफेस एरिया ज्यादा है यहां पर सरफेस एरिया क्या है कम है तो ड्राई सरफेस के ऊपर ओल्ड टायर का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा मिलेगा किससे न्यू टायर से क्योंकि न्यू टायर के ऊपर रिब्स या थ्रेड कंपेरेटिवली क्या है ज्यादा है तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ ओल्ड टायर में फ्रिक्शन भी क्या मिलेगी आपको ज्यादा मिलेगी ओल्ड टायर में फ्रिक्शन क्या मिलेगी आपको ज्यादा मिलेगी इट विल कम आउट टू बी कंपेरेटिवली मोर क्लियर है चीज तो अगर ड्राई सरफेस है एडवर्स कंडीशन नहीं है तो कौन सा टायर ज्यादा अच्छा हुआ कौन सा टायर ज्यादा अच्छा हुआ कौन सा टायर ज्यादा रिलायबल हुआ तो ओल्ड टायर ज्यादा रिलायबल हुआ ओल्ड तो टायर इज मोर रिलायबल क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है ज्यादा निकल के आ रही है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अब बात करते हैं किसकी वेट सर्फेस की वेट सर्फेस का मतलब क्या वेट सर्फेस का मतलब यह हुआ एडवर्स कंडीशन बारिश आई या फ्लड आ गया या कोई ड्रेन ओवरफ्लो कर गई अब बात करते हैं इसकी ये हमारा ओल्ड टायर है ये हमारा न्यू टायर है दिस इज ओल्ड टायर दिस इज न्यू टायर अब क्योंकि सरफेस वेट है पानी क्या करेगा टायर की पानी टायर के ऊपर लुब्रिकेशन कर देगा वाटर विल कैरी आउट द लुब्रिकेशन अब लुब्रिकेशन आपको किस में ज्यादा मिलेगी वे आर लुब्रिकेशन विल कम आउट टू बी मोर क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है क्योंकि इसका एरिया कम है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थ्रेड और रिब्स रिब्स बोल दो थ्रेड्स बोल दो किसमें लुब्रिकेशन ज्यादा निकल के आएगी

तो सेम पानी ज्यादा एरिया पे लुब्रिकेशन नहीं करेगा सेम पानी कम एरिया पे लुब्रिकेशन करेगा क्लियर है चीज रिपीट करना है इसमें कुछ भी एनी ऑफ टू बी रेफर फ्रॉम दिस इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कहां फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी आपको लुब्रिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एरिया लुब्रिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एरिया लुब्रिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट उतना ही है पर एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब ओल्ड टायर के ऊपर मेरा लिमिटेड लुब्रिकेंट ज्यादा लुब्रिकेशन नहीं कर पाया अगर ज्यादा लुब्रिकेशन नहीं कर पाया इसका मतलब फ्रिक्शन क्या मिलेगी आपको ज्यादा मिलेगी क्लियर ओल्ड टायर एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर। ये कहां से आ गया भाई एब्जॉर्ब कर लेगा एब्सॉर्ब्शन कहां से निकल के आ गई वेर एब्जॉर्ब्शन कम्स सेंट टू दिक्चर हाँ सेम वही गुप्ता ने बिल्कुल सही बात बोली वर्कबिटी वाला कंसेप्ट एग्जैक्टली exactly सेम चीज़ वर्कबिटी वाला कंसेप्ट जैसे आपके कॉन्क्रीट में एग्रीगेट्स के ऊपर लुब्रिकेशन कौन करता है एग्रीगेट के ऊपर लुब्रिकेशन करती है वाटर सीमेंट की पेस्ट इस बार लुब्रिकेशन कौन कर रहा है इस बार लुब्रिकेशन सिर्फ पानी कर रहा है बिल्कुल सही बात बोले गुप्ता एब्सोल्युटली करेक्ट तो सेम एनालॉजी हमने डिस्कस कर रखी है किसके अंदर एग्जैक्टली सेम एनालॉजी वी हैव डिस्कस इन बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट कुछ भी बोल सकते हो आप इट इज़ वन एंड द सेम थिंग वाला कंसेप्ट है क्लियर है पूरी कहानी टेम्परेचर बढ़ने से टायर प्रेशर मोर कांटेक्ट एरिया लेस तो फ्रिक्शन कम होगा ना सर अब जब आप टेम्परेचर के बढ़ने से कांटेक्ट प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हो यानी टायर प्रेशर इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से आप मटीरियल के प्रॉपर्टी में चेंज नहीं कर रहे आपने सिर्फ कौन सी चीज को पकड़ा आपने टायर प्रेशर को पकड़ा मैंने टायर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा हुआ था तो जब भी कंपैरिजन करोगे बेस सेम बना के चलोगे वैन एवर कंपैरिजन इज टू बी डन देन बेस इज टू बी कैप्ट सेम तो टेम्परेचर के बढ़ने से मैंने ये बोला कि टायर स्मूथ हो जाएगा जो मटेरियल है वो स्मूथ हो जाएगा मैंने टायर का प्रेशर सेम बना के रखा था आपने टायर के प्रेशर को चेंज कर दिया अब आप टायर के प्रेशर को चेंज कर रहे हो इसका मतलब ये दोनों चीजें कॉन्स्टेंट बना दोगे दो, दो वेरिएबल लाई नहीं सकते आप यू नॉट इंक्लूड टू वेरिएबल्स ऑलमोस्ट हर क्लास में डिस्कस करते हैं जब भी कंपैरिजन करोगे बेस सेम बना के चलोगे एडवर्स कंडीशन मतलब वेट सरफेस हो गई जैसे दी एडवर्स कंडीशन ये वेट सरफेस है वेट सरफेस है इसमें लुब्रिकेशन आपको क्या मिली ज्यादा मिली अगर लुब्रिकेशन ज्यादा मिली इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है अगर लुब्रिकेशन ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो गई भैया कम हो गई इट मीन्स द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड कम फ्रिक्शन मिलेगा आपको तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम निकल के आएगी क्लियर अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो भैया टायर आपका बर्न कर जाएगा योर टायर विल बर्न तो सेम चीजें कंटिन्यूशन में तो चल रही है हमारी अब हम बात करते हैं वैल्यू की ना विल टॉक अबाउट दी वैल्यू चलो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन की वैल्यू लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन की वैल्यू विच वी टेक फॉर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज इन द रेंज ऑफ पॉइंट थ्री फाइव टू पॉइंट फोर जीरो वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ

अगर हमारे पेमेंट सर्फिस के ऊपर अनइवननेस है इससे दिक्कत क्या होगी बहुत सारी दिक्कतें होंगी जैसे बिकॉज ऑफ द अनइवननेस ईवननेस फटीक बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ अनइवननेस ईवननेस फटीक विल इंक्रीज आपको डिस्कम्फर्ट होगा अगर आप ट्रैवल करोगे एक ऐसे रोड के ऊपर जिसमें अनइवननेस है आप में फटीक ज्यादा आएगा जो आप बोलते हो थक गए ट्रैवल करके इसका मतलब क्या हुआ राइडिंग डिस्कम्फर्ट हो जाएगी फटीक इंक्रीज कर जाएगा सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपकी स्पीड कम हो जाएगी अगर अनइवन रोड है स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है थर्ड फ्यूल की कंजप्शन क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी फोर्थ एंड एंडेयर क्या होगा व्हीकल का बढ़ जाएगा वेयर एंडेयर आपके टायर का वेयर एंड टेयर आपके शॉकर का जो स्प्रिंग लगी हुई है इसका मतलब आपके व्हीकल की और टायर की एंड एंडेयर बढ़ जाएगी नेक्स्ट अनइवन नोड के ऊपर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या कर जाते हैं चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं तो अगर हमारे पेमेंट सरफेस के ऊपर अनइवननेस हुई बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं इसके फटीक बढ़ जाती है स्पीड कम हो जाती है फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाती है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाता है वेयर एंड टेयर ऑफ व्हीकल ऑल्सो इंक्रीजेस अब इतने सारे फैक्टर बता दिए मैंने आपको बिल्कुल बोल सकते हो ऑपरेशन कॉस्ट क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी ऑपरेशन कॉस्ट विल इंक्रीज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अब ये इवननेस को मेजर कैसे करते हैं हाउ डू वी मेजर ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि भैया अनइवननेस कैसे मेजर की जाती है सो अनइवननेस ऑफ द पेमेंट सरफेस इज मेजर्ड हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट व्हिच इज नोन एज बंप इंडिकेटर कैसे मेजर करते हो बीआई के टर्म में तो बंप इंडिकेटर ये ये हमें हमें क्या क्या बताता है? ये हमें बताता है 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 अनइवननेस इंडेक्स तो इक्विपमेंट का नाम बंप इंडिकेटर किस टर्म में मेजर करते हैं इसको अनइवननेस इंडेक्स के टर्म में ये अनइवननेस इंडेक्स क्या मेजर करती है ये वर्टिकल अंडुलेशंस को मेजर करती है पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड तो लेट अस सपोज ये हमारा लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है

क्लियर है। नाउ द रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ एस इंडेक्स रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अन इंडेक्स क्या क्लासिफिकेशन है अभी तो स्टैंडर्ड है जो आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है ये रही तो अगर अन इंडेक्स नंबर पंद्रह सौ से कम है आप क्या बोल दोगे टाइप ऑफ द रोड इज गुड अगर अनइम इंडेक्स पंद्रह सौ से लेके पच्चीस सौ के बीच में आप बोल दोगे सेटिसफेक्ट्री है अगर अनइमस इंडेक्स पच्चीस सौ से लेके पैतीस सौ के बीच में आप बोल दोगे टाइप ऑफ द रोड इज बैड अगर अनइमस इंडेक्स पैतीस सौ से ज्यादा है आप बोल दोगे रोड इज अनकंफर्टेबल तो रोड हमारी क्या हो जाएगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी इसका मतलब रोड्स कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट अन ईमेनस इंडेक्स कैसे रिपोर्ट करते हैं एम एम पर किलोमीटर मेजर कैसे करते हैं विद हेल्प ऑफ बम्प इंडिकेटर क्लियर है बंप इंडिकेटर <coughs> दिखता कैसे देखो भैया ये बम्प इंडिकेटर है वो रियल पिक्चर है बम्प इंडिकेटर की और ये इसका लाइन डायग्राम है जैसे लाइन डायग्राम तो किसी स्टैंडर्ड व्हीकल के ऊपर पीछे अटैच कर देते हैं एक ही टायर लगा होता है इसमें <coughs> ये क्या मेजर कर रहा होता है इट मेजर्स मेजर वर्टिकल इंडुलेशन ये वर्टिकल इंडुलेशन को मेजर करता है रहा? चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं नाउ हमने अनइवननेस कैसे मेजर करी हमने अनइवननेस मेजर करी इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स पर इंटरनेशनली दिस अनइवननेस ऑफ द रोड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर विच इज नोन एज इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स तो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स इंडेक्स इंटरनेशनली यही चीज कैसे मेजर की जाती है इंटरनेशनली यही चीज मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर विच इज नोन एज इंटरनेशनल इंडेक्स और हम इंटरनेशनल रेफरेंस इंडेक्स को अनईमननेस इंडेक्स से भी रिलेट कर सकते हैं एम्पेरिकली क्या एम्पेरिकल रिलेशन है यू कैन से अन इंडेक्स इन एम एम पर किलोमीटर इज इक्वल टू इंटरनेशनल रेफरस इंडेक्स रेस टू दार्टन टू पर ध्यान रखना हमारा अनईवनस इंडेक्स था एम पर किलोमीटर में और जो आई होता है ये होता है मीटर पर किलोमीटर में तो ये हमारी एंपेरिकल रिलेशनशिप आ गई दिस इज दिसल रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप भी आपको ध्यान रखनी है टेक प्रॉपर केयर ऑफ रिलेशनशिप तो पहला पहला पैरामीटर क्या हुआ द फर्स्ट ऑफ द दैरामीटर वॉज फर्स्ट ऑफ द पैरामीटर वॉज फ्रिक्शन तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरसिक्स का पहला पैरामीटर फ्रिक्शन मेंट कैरेक्टर सिक्स का दूसरा पैरामीटर अनइवननेस क्लियर चलो अनइवनस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये जो अनइवननेस है ये डिपेंड किसके ऊपर कर जाती है इट डिपेंड्स अपॉन वॉट जैसे पीछे हमने क्या बोला था पीछे हमने ये बोला था कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है पीछे हमने ये बोला था, फ्रिक्शन किन-किन बातों पे डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता रोडन क्यों इसलिए है क्योंकि आपने कॉम्पेक्शन प्रॉपर नहीं करी क्योंकि आपने कॉम्पेक्शन प्रॉपर नहीं करी बिकॉज ऑफ इम प्रॉपर कॉम्पेक्शन नेक्स्ट आपने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया थर्ड आपने इम्रॉपर सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड किया चौथा आपने मेंटेनेंस पुअर कर रखी है तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं अनइवननेस क्रिएट करते हैं हमारे पेमेंट के अंदर क्लियर है चीज रोलर नहीं चलाया सही से बिल्कुल सही बात है रोलर नहीं चलाया सही से मतलब कॉम्पेक्शन प्रॉपर नहीं करी पूरी कहानी चले आगे वेट कंडीशन में न्यू टायर में सरफेस एरिया कम तो भैया अभी भी तो सरफेस एरिया कम बोला है अभी क्या बोला ज्यादा हैवी व्हीकल आ गया अब अब फिर से अगर आप ये बोल रहे हो ज्यादा हैवी व्हीकल आ गया तो उसको मैं डिजाइनिंग में कंसिडर नहीं करूंगा uh, क्योंकि आपने ये पॉइंट बोल दिया सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट जनरल बात करते हैं नॉट ओनली अबाउट पेमेंट पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं जनरल बात कर रहा हूं किसी भी चीज की अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो इफ यू आर डिजाइनिंग अबाउट एनी एस्पेक्ट जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो अगर डिजाइन पैरामीटर परमिशबल वैल्यू से ऊपर लेके जाओगे तो फेल होगा ही होगा जैसे एग्जाम्पल आपने बीम डिजाइन करी बीम डिजाइन करी फॉर अ लोडिंग ऑफ ट्वेंटी किलो न्यूटन अब आप बोल रहे हो सर बीस किलो न्यूटन से ज्यादा लोड आ गया तो फेल हो जाएगी हाँ होगी फेल क्योंकि आपने डिजाइन लोड कितना लिया था बीस किलो न्यूटन लिया था ना तो सेम कहानी यहां पर है जब आपने पेमेंट को डिजाइन कर रखा है उससे ज्यादा लोड अगर आप अप्लाई करोगे तब तो फेलियर होगा ही होगा देन दी फेलियर विल टेक प्लेस तो वो चीज थोड़ी कंसिडर करूंगा मैं इसके अंदर दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं सवाल आ गए सवाल आ गए तो देखो देखो क्या पूछा है इसके अंदर देखो क्या पूछा है प्रॉब्लम में आई आर सी हेज रिकमेंडेड अफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन दॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन ऑन दी वेट पेमेंट्स आफ्टर अ सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दी रेंज ऑफ 0.15 टू 0.3 अच्छा लॉन्गीट्यूडल फ्रिक्शन की वैल्यू बोल रहा है पॉइंट वन फाइव टू पॉइंट थ्री गलत बात है ये तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट थ्री फाइव से लेके पॉइंट फोर के बीच में होती है वैन दी लॉन्गीट्यूडल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज पॉइंट फोर कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट फोर इज अलाउड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल द रिजल्टेंट रिटार्डेशन इज थ्री पॉइंट नाइन थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ नॉट टू अनकंफर्टेबल फॉर द पैसेंजर सही बात है अगर आप कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन लेते हो पॉइंट फोर जो हमारा रिटार्डेशन निकल के आता है वो कितना आता है 3.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये जो रिटार्डेशन है हमारी ये अप्रोक्सीमेटली हम फोर भी मान सकते हैं इट मे अज्यूम टू बी हाउ मच इट मे बी अज्यूम टू बी फोर ऑल्सो कई बार राउंड ऑफ करके फोर बोल देते हैं इसे और ये जो रिटार्डेशन है इट इज नॉट टू अनकम्फर्टेबल कहने का मतलब है इतनी रिटार्डेशन भी हम क्या कर सकते हैं आसानी से बेयर कर सकते हैं दिस मच ऑफ द रिटार्डेशन कैन बी ईजिली बियर बाय द दैसेंजर अप्रोक्सीमेटली फोर है बिल्कुल सही बात है इसका मतलब पहली बात गलत है और दूसरी बात सही है तो पहली बात गलत है दूसरी बात सही है अप्रोक्सीमेटली फोर होता है ठीक है चलो देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है क्या सही वर्डिंग है क्वेश्चन का चलो चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो देखो क्या बोल रहा है वॉन आउट स्मूथ टायर्स ऑफर हायर फ्रिक्शन फैक्टर्स ऑन ड्राई पेमेंट देन न्यू टायर्स थ्रेड वेल इंटैक्ट। तो ये थ्रेड बोला था या रिब्स बोला था तो जो वॉर्न आउट टायर है ये ऑफर करता है हायर फ्रिक्शन फैक्टर ऑन ड्राई पेमेंट सरफेस देन न्यू टायर सही बात है

ये उसके ऊपर स्मूथ टायर कैरी कर पाएगा बिल्कुल सही बात है अगर प्रेशर की वैल्यू कम यानी एरिया की वैल्यू क्या मिलेगी आपको ज्यादा मिलेगी इसका मतलब ये वाली बात भी सही है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट तो ये वाली बात भी सही है ये वाली बात भी सही है पर दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है बी पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन क्या है पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन ये है रीजन बीइंग उसका एरिया क्या है ज्यादा है इट्स एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द पेमेंट इज कंपेटिवली मोर तो बोधि ऑप्शन आर करेक्ट दी सेकेंड वन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन दूसरा वाला पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है क्लियर है रीजन फिर से रीजन बताया दो बेटा ड्राई सरफेस के ऊपर अगर ओल्ड टायर है वेयर एंड एयर हो गई है एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप करेगा नया टायर है थ्रेड्स बने हुए हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम मिलेगा फ्रिक्शन विल कम आउट तो लेस। पीछे तो बताया था रीजन इसका चलो आगे बढ़ते हैं देखो अगला सवाल क्या है। वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन लेटरल फ्रिक्शन बोल दो साइड फ्रिक्शन बोल दो एक और नाम दिया था इसका ट्रांसवर्स फ्रिक्शन

लॉन्गिट्यूडनल कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए अब कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है ये ध्यान पढ़ना तो बम्प इंडिकेटर ये तो किसके लिए यूज करते हैं दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अनइवननेस इसको हम यूज करते हैं अनइवननेस मेजर करने के लिए नेक्स्ट बोथ बम्प इंडिकेटर एंड रफोमीटर देन रफोमीटर एंड स्पीडोमीटर सो सो बोथ बंप इंटीग्रेटर एंड रफोमीटर दोनों को इंटीग्रेट करके हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए कोफिशेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन मेजर करने के लिए रिड्यूस यूमेटिक प्रेशर से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेगा हाँ अगर प्रेशर कम होगा टायर का तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा निकल के आएगा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विल कम आउट टू बी मोर भैया टायर में जितना कम प्रेशर होगा वो टायर उतना ज्यादा कॉन्टेक्ट में होगा ये पेमेंट है देखो एक एग्जाम्पल यह है टायर के अंदर हवा कम है तो ये टायर आपको इस तरीके से मिलेगा टायर के अंदर हवा ज्यादा है तो अब टायर आपको इस तरीके से मिलेगा तो ये हवा कम है ये हवा ज्यादा है तो हेयर प्रेशर इज लेस न्यूमेटिक प्रेशर लेस हेयर न्यूमेटिक प्रेशर इज मोर तो फिर तो कॉमन सी बात है तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहां पर ज्यादा है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गई कम हो गई तो इसको अगर मैं ए बोलूं ए ये हमारा ए डैश है ए डैश की वैल्यू ए से क्या है कम है एज लेस देन है चीज़ तो बस उसको टेक्निकल फॉर्म में पूछ लिया उसने जैसे आप एयर प्रेशर बोलते हो उसने न्यूमेटिक प्रेशर बोल दिया डिस्टर्ब न्यूमेटिक प्रेशर क्लियर है चलो चलो सो टू ऑफ दी सरफेस पेमेंट कैरेक्टर वी कवर्ड ऑफ दी सर्फेस पेमेंट करेक्टर सिक्स कवर्ड पहला सरफेस पेमेंट करेक्टर फ्रिक्शन दूसरा सरफेस तो इतनी कॉमन चीज है, तो। तो है क्यों विंटर्स है जो नदरन एरिया है जो यूरोपियन कंट्रीज है, है रशिया है स्नो है यूएस uh, uh, है यूएस का अगर आप लोगे नहीं एरिया वहां पर भी आपको स्नो मिलेगी और मेरे हिसाब से सबने आपने ये चीज देख रखी होगी अगर स्नोई एरिया होता है लेट सपोज स्नो डिपॉजिट है इसके ऊपर गाड़ी स्लिप कर जाती है इस पर अपने आप स्लिप कर जाती है क्यों स्लिप कर, क्यों स्लिप कर गई फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है स्नोई एरिया है अपने आप गाड़ी स्लिप कर जाती है मतलब कुछ भी नहीं करना आपको अपने आप फिसल जाती है गाड़ी रीजन बिंग वॉट ये लो ये बता रहा है कश्मीर है तो रीजन क्या है इसका भैया फ्रिक्शन कम है फ्रिक्शन इज लेस कॉमन सी बात है तो सारी प्रैक्टिकल चीजें रिलेट कर सकते हो आप यू कैन रिलेट विद चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू सो थर्ड ऑफ दी थर्ड ऑफ दी फिर लोग टायर पे चेन बांध देते हैं बिल्कुल फिर टायर के ऊपर चेन दी जाती है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए सो दैट फ्रिक्शन इंक्रीजेस तो इसकी रेमेडी है टायर के ऊपर चेन बांध दी जाती है तो अगर ये हमारा व्हील है इफ दिस इज द व्हील तो इसके ऊपर चेन बांध दी जाती है ताकि फ्रिक्शन क्या कर जाए सो दैट द फ्रिक्शन इंक्रीजेस चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू हो गई बहुत डिस्कशन द थर्ड ऑफ द पेमेंट दर्फेस कैरेक्टरस्टिक्स तीसरा जो हमारा पेमेंट सर्फेस कैरेक्टर है इसको हम क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज अब पीछे कोई बोल रहा था रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है विजिबिलिटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है विजिबिलिटी कोई भी चीज़ आपको कब दिखती है कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब लाइट वहां से टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच जाए ये तो आपको एनवायरमेंट में भी डिस्कस करके बता रखा है तो कोई सी भी चीज़ आपको तब दिखती है जब लाइट वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के पहुंच जाए अभी पेमेंट से पेमेंट की सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये आपको तक पहुंच रही है इसका मतलब रोड के ऊपर जो विजिबिलिटी है वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर उसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज के ऊपर विजिबिलिटी ओवर दी सरफेस ऑफ द रोड डिपेंड्स अपॉन इट्स रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज अब ये जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड कर जाती है ये डिपेंड कर जाती है, के के कर जाती है के पेमेंट के कलर के ऊपर ये डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर पेमेंट के कलर के ऊपर और लाइट की प्रॉपर्टी के ऊपर सो वी कैन से द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द पेमेंट विल डिपेंड अपॉन वॉट जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है हमारे पेमेंट की ये किसके ऊपर डिपेंड करती है जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है हमारे पेमेंट की ये डिपेंड कर जाती है उसके कलर के ऊपर ये डिपेंड कर जाती है उसके लाइट के ऊपर लाइट का कैरेक्टर क्या है क्लियर चीज इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमारी पेमेंट लाइट कलर्ड की है अगर हमारी पेमेंट लाइट कलर्ड की है इट विल गिव यू गुड विजिबिलिटी इन दी नाइट अगर पेमेंट लाइट कलर की जैसे कॉन्क्रीट पेमेंट अब कॉन्क्रीट पेमेंट का कलर जनरली ग्रे कलर का होता है अब ग्रे कलर की पेमेंट है यह आपको नाइट में अच्छी विजिबिलिटी देगी पर क्योंकि लाइट कलर है दिन में ग्लेयर बहुत ज्यादा मिलेगा लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचेगी बहुत फ्रीक्वेंटली इसका मतलब लाइट कलर्ड पेमेंट रात में तो अच्छी विजिबिलिटी देती है पर दिन में ग्लेयर ज्यादा आता है इसके अपोजिट इसके अपोजिट अगर डार्क कलर की पेमेंट है डार्क कलर की पेमेंट आपको गुड विजिबिलिटी देती है दिन में पर इट विल गिव यू पुअर विजिबिलिटी एट दी नाइट इसके अलावा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो डे में ज़्यादा है या नाइट में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कब ज़्यादा होता है डे टाइम में ट्रैफिक की मूवमेंट ज़्यादा होती है नाइट टाइम में ट्रैफिक की मूवमेंट कम होती है सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस नाइट टाइम में जनरली हैवी ट्रैफिक मूव कर रहा होता है हैवी ट्रैफिक की स्पीड भी कंपेरेटिवली क्या होती है कम होती है इसीलिए जो पेमेंट का कलर है क्या रखा जाता है डार्क रखा जाता है द कलर ऑफ द पेमेंट इज कैप्ट टू बी डार्क रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज so, का सिग्निफिकेंस विजिबिलिटी किस पे डिपेंड कर जाती है पेमेंट के कलर के ऊपर और लाइट के कैरेक्टरसिक्स के ऊपर सारे रोड नहीं बोलेंगे हम आपके शहरों में कॉन्क्रीट पेमेंट भी होती है ग्रे कलर की दे आर इन कलर क्लियर है पूरी कहानी रिपीट करना कुछ भी इट मीन्स वी आर डन विद ऑल दी पेमेंट अब बस एक बचा हुआ है कौन सा ड्रेनेज वो लास्ट पॉइंट देख लेंगे फ्रिक्शन तो और रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज कॉन्क्रीट पेमेंट में डार्क कैसे करेंगे कॉन्क्रीट पेमेंट में डार्क कैसे करोगे एडमिक्सर मिला दो एड एडमिक्सर ग्लेयर का मीनिंग चमक लाइट पड़ती है एकदम से आपकी आंखों में देखो ट्यूबलाइट की तरफ एकदम से बल्ब की तरफ देखो एकदम से आंखों में उसको ग्लेयर बोलते हैं दैट इज इज ग्लेयर तो जब रात में चल रहे होते हो सामने वाले व्हीकल की लाइट आंखों में पड़ती है उसे ग्लेयर बोलते थे एकदम से मुंह फेर लेते हो तो इसको टेक्निकली ग्लेयर बोल देते हैं चलो आगे बढ़ते हैं इसी रीजन से हाईवे बिटुमन इसी रीजन से नहीं होता भैया रीजन है भैया कॉस्ट कम होती है तो इस रीजन से बिटूमन पेमेंट नहीं होती हाईवे की जो रिजिड पेमेंट है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज क्रॉस स्लोप और कैम्बर सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज एज डॉट क्रॉस स्लोप और कैम्बर तो ये हमारी क्रॉस स्लोप है या कैम्बर है जी हमारा क्रॉस सेक्शन है दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड अभी डायग्राम दिखा भी दूंगा मैं आपको तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस भैया क्रॉस सेक्शन क्यों प्रोवाइड की जाती है क्रॉस स्लोप स्लोप इज 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 प्रोवाइडेड 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 और कैम्बर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू द द रोड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन द दॉटर फ्रॉम द रोड सर्फेस क्रॉस स्लोप या कैम्बर इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि ये पानी के ड्रेनेज को परमिट करे पानी के ड्रेनेज को परमिट करे कैसे बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट पानी फ्लो कर जाएगा अपने वेट की वजह से पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप पानी को ड्रेन क्यों कराना चाहते हो चलो ठीक है ये पानी को ड्रेन करा देगी पर आप पानी को ड्रेन क्यों कराना चाहते हो बहुत सारे रीजन है अगर पानी को ड्रेन नहीं कराया इट विल प्रोड्यूस दी ग्लेयर अगर हमारी पेमेंट सरफेस वेट हुई ग्लेयर प्रोड्यूस करेगी पानी आ गया तो क्या होगा लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में आएगी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज ज्यादा बेटर होती है पानी की तो आंखों में ग्लेयर प्रोड्यूस होगा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट इट विल अवॉइड दी स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल अगर पेमेंट सर्फेस वेट है स्लिप होने के चांसेस क्या होंगे अगर पेमेंट सर्फेस वेट है स्लिप होने के चांसेस क्या होंगे स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होंगे द चांसेज ऑफ तो स्लिप आर कंपेरेटिवली मोर इसलिए तो बोला था कि भैया किसको यूज करो नए टायर को यूज करो क्योंकि पुराना टायर में क्या होगा लुब्रिकेशन ज़्यादा मिलेगी फ्रिक्शन कम होगी स्लिपिंग मिल जाएगी आपको जब फ्रिक्शन कम होता है तो हमारा व्हीकल क्या घट जाता है हमारा व्हीकल क्या कर जाएगा स्लिप कर जाएगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे पेमेंट की प्रेजेंस में जो बिटुमन का अडेशन है एग्रीगेट के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो वीक हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है बिटुमन एग्रीगेट के ऊपर से क्या कर जाए स्ट्रिप कर जाए बिटुमन एग्रीगेट के ऊपर से स्ट्रिप कर जाए तो क्रॉस स्लोप या कैंबर क्यों प्रोवाइड करते हैं इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि पानी ड्रेन कर जाए पानी को ड्रेन क्यों करवाना चाहते हो पहला ग्लेयर कम हो जाएगी स्लिपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे नेक्स्ट जो स्वेलिंग है हीविंग है सबग्रेड की वो कम हो जाएगी नेक्स्ट चांसेस ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ द बिटूमन फ्रॉम द एग्रीगेट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड क्लियर है चीज रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी कभी कभी ये कैंट का भी काम कर देता है फिर से आगे मत बढ़ो कैंट बोल दूंगा तो फिर परेशान होने लग जाएंगे कि सर ये क्या होता है कैंट आपने तो पहले बताया नहीं था यहां पे ये लिखवाया था वहां पे वो लिखवाया था इसलिए अभी जितनी जानकारी चल रही है वो चलने दो क्या है कैंट अभी देखेंगे आगे दैट विल सी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अब हम ये कैसे प्रोवाइड करते हैं हाउ डू वी प्रोवाइड दी क्रॉस स्लोप क्रॉस स्लोप कैसे प्रोवाइड की जाती है या कैम्बर कैसे प्रोवाइड की जाती है अगर हमारा स्ट्रेट रोड है इफ यू हैव अ स्ट्रेट रोड इस क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड करने के लिए जो सेंटर है उसको हम रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एजेस इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सी द डायग्राम सो इफ यू हैव अ स्ट्रेट रोड ये स्ट्रेट रोड है जो सेंटर है रोड का उसको हम क्या कर देते हैं रेस कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में एजेस के रिस्पेक्ट में बन गई क्रॉस स्लोप तो दोनों तरफ से पानी क्या कर जाएगा ड्रेन कर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट पानी ड्रेन कर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट तो ये हमारी क्रॉस स्लोप आ गई दूसरा तरीका अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजोंटल कर्व की ये स्ट्रेट रोड था ये हॉजोंटल कर्व है दिस इज हॉरिजोंटल कर्व हॉरिजोंटल कर्व में हम क्या प्रोवाइड करते हैं हॉरिजोंटल कर्व में हम आउटर एज पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते ही करते हैं जिसको ये कैंट बोल रहा था विच वॉज टर्म डेस्ट कैंट तो जब आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करी ये भी किसका काम कर जाती है ये भी क्रॉस स्लोप और कैम्बर का काम कर जाती है इसका मतलब इस सिचुएशन में जो सुपर एलिवेशन है वही कैंट है और वही क्या है कैंबर है क्लियर है पूरी गाड़ी रिपीट करना है इसमें कुछ भी एडवर्स कंडीशन में ओल्ड टायर में फ्रिक्शन कम होगा न्यू टायर के भाई अभी यही तो बताया था अभी दो मिनट पहले यही चीज बताई है कि भैया वेट सरफेस होगा वेट सरफेस होगा तो लुब्रिकेशन हो जाएगी लुब्रिकेशन विल टेक प्लेस फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी अभी दो मिनट पहले यही चीज बताइए क्लियर है जो पीछे बोल रहा था कैंट के बारे में तो स्ट्रेट रोड में सेंटर लाइन को रेस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस स्लोप ऑन बोथ दी साइड्स हॉरिजॉन्टल कर में हम आउटर एज को रेस करते ही हैं इसको सुपर एलिवेशन बोला जाता है दिस इज सुपर एलिवेशन इसको कैंट भी बोल सकते हो इसको स्लोप भी बोल सकते हो दिस इज एज क्रॉस स्लोप अब ये जो हमारी क्रॉस स्लोप है इसको डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू डिनोट द क्रॉस स्लोप अब किन किन तरीकों से डिनोट कर सकते हो देखो एक परसेंटेज के फॉर्म में यू कैन दी क्रॉस स्लोप इन टर्म्स ऑफ़ परसेंटेज भी लिखा हुआ मतलब है परसेंट का पांच परसेंट का मतलब हुआ तो ये हमारी थीटा है. थीटा? So, 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 हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट बाय बेस तो टें थीटा क्या हुआ परपेंडिकुलर तो so, पहला आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में बता दो दूसरा आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बता सकते हो फ्रैक्शन जैसे वन इन ट्वेंटी फ्रैक्शन जैसे वन बाय ट्वेंटी फ्रैक्शन जैसे पॉइंट डबल जीरो फाइव या आप और क्या बोल सकते हो वन वर्टिकल इज टू ट्वेंटी हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल इज टू ट्वेंटी हॉरिजॉन्टल तो इसका मतलब परसेंटेज के फॉर्म में बताया जा सकता है फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया जा सकता है एक ही बात है तो कई बार आपको परसेंटेज मिलेगी कई बार आपको फ्रैक्शन मिलेगी सेंटर को रेस कर रहे ड्रेन बोथ साइड प्रोवाइड करना पड़ेगा ड्रेन बोथ साइड प्रोवाइड करना पड़ेगा बिल्कुल सही बात है अगर आप सेंटर को रेस कर रहे हो ड्रेन आपको दोनों तरफ प्रोवाइड करना पड़ेगा यू हैव टू प्रोवाइड द ड्रेन ऑन बोथ दी साइड्स तो ड्रेन हमारी यहाँ पर भी प्रोवाइडेड होगी ड्रेन हमारी यहाँ पर भी प्रोवाइडेड होगी दोनों तरफ ड्रेन प्रोवाइडेड होगी सो ऑन आइदर साइड दी ड्रेन विल बी प्रोवाइडेड बीच में मीडियन होगा तो इस तरीके से थोड़ी प्रोवाइड करूंगा बीच में मीडियम होगा तो इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा ये हमारी मीडियम तो तो क्या दिस इज अवर स्लोप बीच में मीडियम प्रोवाइड की हुई है ये हमारी स्लोप है ये प्रोवाइड करके दी थी मैंने पीछे आपको जब शुरू में डायग्राम बनाया था ये डायग्राम तो बनाया था दिस वॉज इसम शोन तो, तो मीडियम है नहीं बीच में hey, no मीडियम आ गए बीच में जनरली कितना कैंबर देते हैं स्ट्रेट रोड में बस दस सेकेंड का टाइम दो अभी वही बताता हूँ दस सेकेंड का टाइम और दो अभी बता दूंगा कि कितना क्रॉस स्लोप देते हैं कैंबर कितना देते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारी ये जो क्रॉस स्लोप या कैंबर की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर जाती है हमारे जो क्रॉस स्लोप है या कैंबर की वैल्यू है ये डिपेंड करती है दो बातों के ऊपर पहला इट विल डिपेंड अपॉन दी पेमेंट सर्फिस दूसरा इट विल डिपेंड अपॉन दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो एक डिपेंड करेगी पेमेंट सर्फेस के ऊपर एक डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ रेनफॉल के ऊपर अगर आपकी पेमेंट सर्फेस स्मूद है तो आपको स्लोप कम देनी पड़ेगी अगर बारिश ज्यादा है तो आपको स्लोप ज्यादा देनी पड़ेगी अगर पेमेंट मेरी रफ है तो मेरे को स्लोप ज्यादा देनी पड़ेगी अगर बारिश कम है तो मेरे को स्लोप कम देनी पड़ेगी इस बात का मतलब यह हुआ अवर क्रॉस स्लोप और कैम्बर डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर पहला टाइप ऑफ पेमेंट सर्फेस दूसरा अमाउंट ऑफ रेनफॉल फिर से वैल्यू कितनी है स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या है स्टैंडर्ड वैल्यूज दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज अब देखो किन किन बातों पर डिपेंडेंट है डिपेंडेंट है एक टाइप ऑफ रोड सर्फेस डिडेंट है किसके ऊपर रेनफॉल के ऊपर हैवी रेनफॉल लाइट रेनफॉल अब चेक करके देखना पहली चीज सीमेंट कॉन्क्रीट बिटूमिनस डब्ल्यू बी एम अर्दन रोड जैसे जैसे नीचे आ रहा हूं वैसे वैसे रफरेंस क्या कर रही है वैसे वैसे रफनेस क्या कर रही है बढ़ती जा रही है तो जब आप नीचे आ रहे हो रफनेस क्या करती है बढ़ रही जा रही है क्योंकि रफनेस बढ़ती जा रही है देखो हमारी क्रॉस स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है क्रॉस स्लोप इज इंक्रीजिंग सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस अभी मैंने किसको चेंज किया अभी मैंने चेंज किया रफनेस को अब मैं चेंज कर रहा हूं बारिश को बारिश को देखो हैवी रेनफॉल में ज्यादा है लाइट रेनफॉल में कम है रेनफॉल में ज्यादा है लाइट रेनफॉल में कम है रेनफॉल में ज्यादा है लाइट रेनफॉल में कम है तो दो बातों पर डिपेंड करती है सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द पेमेंट सर्फिस इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्लियर तब भी कैंबर वेरी करेगा अब बताओ क्या बोल रहे हो कैम्बर भैया कैम्बर तो स्लोप है अगर थिकनेस पेमेंट की कम हुई तो कैम्बर वेरी करेगा सवाल पढ़ो एक बार को क्या बोल रहे हो अपना चलो आगे बढ़ते हैं विल कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगला पॉइंट क्या बोल रहा है दी क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर शुड बी मोर देन दैट ऑफ सपोज ये हमारे पेमेंट की क्रॉस स्लोप है इसके बाद शोल्डर है इसके बाद शोल्डर है दिस इज शोल्डर दिस इज शोल्डर तो शोल्डर की क्रॉस स्लोप थीटा एस ये है हमारी थीटा पी शोल्डर की क्रॉस स्लोप पेमेंट की क्रॉस स्लोप से ज्यादा होनी चाहिए क्यों ज्यादा होनी चाहिए वाइट शुड बी मोर ताकि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे आके पानी जमा नहीं हो जाए आप ये प्रोवाइड नहीं करोगे विल नॉट प्रोवाइड लाइक दिस ट सपोज ये हमारे पेमेंट की क्रॉस स्लोप है ये हमारे शोल्डर की क्रॉस स्लोप है यहां पर आके पानी जमा हो जाएगा वॉटर विल एकट हेर तो शोल्डर की क्रॉस स्लोप हमेशा ज्यादा दी जाती है किससे पेमेंट की क्रॉस स्लोप से कितनी ज्यादा दी जाती है पॉइंट फाइव परसेंट ज्यादा सो क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर शुड बी पॉइंट फाइव परसेंट मोर देन स्लोप ऑफ पेमेंट जो शोल्डर है इसकी मिनिमम क्रॉस स्लोप रखते हैं तीन परसेंट और मैक्सिमम होती है पांच परसेंट क्लियर चीज इसकी मिनिमम वैल्यू है तीन परसेंट मैक्सिमम है पांच परसेंट और पॉइंट पांच परसेंट से हमेशा क्या होगी ज्यादा होगी ऑफ दी क्रॉस स्लोप ऑफ दी पेमेंट क्लियर है पॉइंट अब स्टैंडर्ड चीज है ध्यान रखना we'll है आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिलेगा डायरेक्टली विल फाइंड दी ऑब्जेक्टिव डायरेक्टलीसप्रेस वेज के ऊपर जो क्रॉस स्लोप है एक्सप्रेस क्रॉस स्लोप है इट इज लिमिटेड इन द रेंज ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट अगर रेनफॉल की वैल्यू अगर रेनफॉल की वैल्यू हजार एमएम से ज्यादा है एंड इज लिमिटेड टू टू परसेंट अगर रेनफॉल की वैल्यू हजार एमएम से कम है तो एक्सप्रेस वेज के ऊपर क्रॉस स्लोप की वैल्यू आप दोगे ढाई परसेंट अगर रेनफॉल हजार एमएम से ज्यादा है और क्रॉसलोप की वैल्यू दोगे दो परसेंट अगर रेनफॉल हजार एमएम से कम है तो दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज है बोथ दी स्टैंडर्ड वैल्यूज आर बीइंग गिवन टू यू तो एक तो शोल्डर की बता दी दूसरा क्रॉस स्लोप किसकी एक्सप्रेस वेज की भी बता दी बुरी कहानी चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर क्रॉस स्लोप की वैल्यू हम ज्यादा दे दें तो ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है इफ वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप इज इंक्रीज देर इज नो इशू फ्रॉम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू बट देर आर अदर इश्यूज विच विल क्रीप इन देर आर अदर इशूज विच विल क्रीप इन क्या अदर इशूज है उसको समझने की कोशिश करते हैं अगर क्रॉस स्लोप ज्यादा है लेटर सपोज ये हमारी क्रॉस स्लोप है तो हमारा जो स्लो मूविंग व्हीकल है इसके टॉपल होने के चांसेस इफ चांसेसोप इज मोर इट विल लीड टू दी टॉपलिंग ऑफ़ रहेगी हमेशा कहां करेगा? सारे के पे करने लग जाएंगे मूव अलोंग दी सेंटर लाइन अगर क्रॉसोप की वैल्यू ज्यादा है तो इस सिचुएशन के अंदर साइड पे जो थ्रस्ट लगेगी या जो ड्रैग लगेगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी क्लियर चीज इज़ देर एन स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर कैम्बर ऑन हिल रोड्स बेटा वो हिल रोड्स में करेंगे हम मतलब क्यों ऐसे सवाल क्यों पूछते हो मतलब क्या दिक्कत है मतलब जब हिल रोड्स वाला टॉपिक आएगा हिल रोड्स अलग से करेंगे पूरा एक चैप्टर है हिल रोड्स का दैट इज अ कम्प्लीट चैप्टर ऑफ हिल रोड्स मतलब ये सब करके क्या करना चाहते हो जब पता है तो बोलो मत नहीं पता तो अपने आप चैप्टर आ जाएगा आगे कैंबर थिकनेस ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करेगा नहीं अगर कर रहा होता तो बता देता पीछे अगर कैम्बर पेमेंट की थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता तो पीछे डिस्कस कर लेते हम नहीं डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं तो we'll कितने तरह के क्रॉस स्लोप होते हैं सो वी ऑफ क्रॉस स्लोप्स होते हैं हमारा पहला स्ट्रेट लाइन कैंबर सो so, स्ट्रेट लाइन कैंबर दिख रही है स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन कैंबर द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ स्लोप इज एज डॉट जो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रॉसलोप <coughs> देने का वो स्ट्रेट लाइन क्रॉसलोप है तो स्ट्रेट लाइन क्रॉस स्लोप अब डिनोट कैसे करते हैं इसको देखो डिनोट करो लेट सपोज ये हमारा थीटा है तो हम बोलेंगे टेन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय एन इट इज ऑल्सो इक्वल टू

क्राउन क्या होती है टॉप मोस्ट पॉइंट तो एक्स और वाई की मेजरमेंट कहां से हुई है टॉप मोस्ट पॉइंट से हुई है तो आप यहां से इक्वेशन निकाल सकते हो इस लाइन की पैराबोला की इक्वेशन डायरेक्टली दे रखी है आपको द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन टू यू सो वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर अपॉन एनडब्ल्यू इसको भी डिराइव कर सकते हो आप दिस कैन ऑल्सो भी डिराइव इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर निकाल लो के की वैल्यू वो लिखी हुई के की वैल्यू आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हो के की वैल्यू हाउ कैन वी फाइंड दैल्यू ऑफ के सो वील सेक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टू वाई इज इक्वल टू वॉट जब एक्स की वैल्यू डब्ल्यू बाय टू है वाई इज इक्वल टू वॉट एच तो वाई हमारा एच है ये लो वाई हमारा एच है निकाल लो रिलेशनशिप तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी नाउ इन सम केसेस वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड कंपोजिट कैम्बर कंपोजिट कैम्बर ऊपर पैरा बोले क्या है और नीचे स्ट्रेट है तो ऊपर पैरा बोले क्या नीचे क्या है स्ट्रेट है अच्छा आप कौन सी स्लोप किस सिचुएशन में प्रोवाइड करते हैं कौन सी स्लोप किस सिचुएशन में प्रोवाइड करते हैं अगर सीमेंट कॉन्क्रीट की पेमेंट है इन दैट केस वी प्रेफर स्ट्रेट लाइन कैंबर अगर सीमेंट कॉन्क्रीट की पेमेंट है वी प्रेफर स्ट्रेट लाइन कैंबर क्यों इसको बनाना आसान होता है कंस्ट्रक्शन इज कंपेटिवली सिंपलर पर अगर हमारी बिटुमिनस पेमेंट है वील गो फॉर वर्ट पैराबोलिक कैंबर उस सिचुएशन में हम पैरा बोले को प्रेफर करते हैं क्लियर है पूरी कहानी चलो थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो थर्ड पॉइंट ये था कि अगर स्लोप ज्यादा होगी साइड थ्रस्ट ज्यादा लगेगा तो ये हमारा व्हीकल है जो भी अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर साइड थ्रस्ट ज्यादा लगेगी

अर चलो सो नाउ वी आर डन विद द टू ऑफ द दो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हमने कर लिए सो टू ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट वाज पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरसिक्स पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरसिक्स में हमने बात करी वी हैव टॉक अबाउट व्हाट वी हैव टॉक्ट अबाउट फ्रिक्शन वी वी हैव हैव अबाउट अबाउट अनइवननेस रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज देन ड्रेनेज के वो एनालाइज करने के लिए हमने क्या देख लिया कैम्बर और कैंबर ही क्या है हमारी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है कैंबर ही क्या हमारी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है सो वी हैव क्रॉस सेक्शन एलिमेंट एज ओनली तो दोनों पॉइंट एक साथ कवर हो गए बोथ दी पॉइंट्स आर कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस तीसरा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट तीसरा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट द थर्ड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज विड्थ ऑफ वि पेमेंट आप विड्थ बोल सकते हो या कैरेज वे बोल सकते हो इट इज वन एंड दी सेम थिंग तो तीसरा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कहाँ है हमारे पास

ट्रैफिक लेन पेमेंट का या कैरेज वे का वो पोर्शन होता है जो वन लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो हमारी कैरेज वे है ट्रैफिक लेन है ये वो पोर्शन होती है जो वन लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है सो विथ ऑफ पेमेंट विल डिपेंड अपॉन ट्रैफिक लेन ट्रैफिक लेन इज दैट पोर्शन ऑफ द कैरेज वे विच इज प्रोवाइडेड फॉर वन लाइन ऑफ मूवमेंट वो वन लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है इट मे बी इन एनी डायरेक्शन तो डायरेक्शन के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया मैंने तो ट्रैफिक लेन में जो डायरेक्शन है व्हीकल के मूवमेंट की वो कोई सी भी ली जा सकती है तो विथ ऑफ पेमेंट विल डिपेंड अपॉन वॉट इट विल डिपेंड अपॉन विथ ऑफ ट्रैफिक लेन इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लेन जैसे एग्जाम्पल ये प्लान है कितनी लेन प्रोवाइड करी मैंने इसके अंदर हाउ मेनी लेन्स आर प्रोवाइडेड वन टू थ्री तीन लेन प्रोवाइड करी है एक्स वाई जेड तो जो हमारी विर्थ है पेमेंट की वो कितनी हो गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इट डिपेंड्स अपॉन वॉट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लेन इट डिपेंड अपॉन ऑफ वन लेन डिपेंड करते हो आप एक लेन की विध को कैसे डिसाइड करोगे लेन विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ व्हीकल वेथ ऑफ विल डिपेंड अपॉन दी साइज ऑफ व्हीकल विच इज मूविंग ओवर इट अलोंग विद समरेंस साथ में कुछ क्लियरेंस भी देते हैं अब आप बोलोगे सर ट्रैफिक लेन के ऊपर तो खूब सारे व्हीकल चलेंगे ट्रैफिक लेन के ऊपर साइकिल भी चलेगी स्कूटर भी चलेगी बाइक भी चलेगी रिक्शा भी चलेगी ऑटो भी चलेगी बस भी चलेगी कार भी चलेगी तो फिर क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड व्हीकल कंसिडर करते हैं और स्टैंडर्ड व्हीकल हमारी कार ही है स्टैंडर्ड व्हीकल हमारी कौन सी है पैसेंजर कार है तो पैसेंजर कार को हमने क्या मान लिया

और इसमें मल्टी है यानी एक से ज्यादा लेन है तो हम कितनी देते हैं दोनों तरफ क्लियरेंस पॉइंट फाइव मीटर की वी प्रोवाइड द्लियरेंस ऑफ पॉइंट फाइव मीटर साइड तो दोनों तरफ पॉइंट फाइव मीटर की क्लियरेंस दी जाती है तो टोटल वेथ कितनी आ जाती है एक लेन की थ्री पॉइंट फाइव मीटर सो टोटल वेथ ऑफ वन लेन कम्स आउट टू बी थ्री पॉइंट फाइव मीटर प्लस पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव तो टोटल कितनी आ गई थ्री पॉइंट फाइव पर थ्री पॉइंट फाइव किसके लिए जब जब रूरल हाईवे में दो या दो से ज्यादा लेन्स हो ध्यान रखना का दो या दो से ज्यादा लेन्स हो पर अगर एक ही लेन हो तो इफ देर इज वन लेन इफ देर इज वन लेन देन दी एडिशनल क्लियरेंस विच इज गिवन ऑन बोथ दी साइड इज पॉइंट सिक्स टू फाइव दोनों तरफ क्लियरेंस कितनी देते हैं पॉइंट सिक्स टू फाइव की तो उस समय एक लेन की विड्थ कितनी आती है थ्री पॉइंट सेवन फाइव अब इस बात को समझने के लिए डायग्राम देख लो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सी दी डायग्राम तो अगर मल्टी लेन है वेथ ऑफ द व्हीकल 2.5 दोनों तरफ क्लियरेंस कितना दिया 0.5 टोटल वेथ कितनी आ गई 3.5 अगर सिंगल लेन है सिंगल लेन है तो 2.5 दोनों तरफ हमने कितनी दी दोनों तरफ हमने क्लियरेंस दी 0.625 टोटल कितनी आ गई 3.75 इसके अलावा बाकी हर एक रोड के लिए आपको क्या दे रखी है वेथ ऑफ कैरेज दे रखी है सो so, वेथ ऑफ कैरेज फॉर सिंगल लेन थ्री टू लेन रोड विदाउट रेज्ड कर्ब सेवन मीटर विद रेज कर्ब सेवन पॉइंट फाइव मीटर इंटरमीडिएट कैरेज वे फाइव पॉइंट फाइव मल्टी लेन थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर लेन अब ये मत बोलना कर्ब क्या होते हैं अभी करेंगे आगे आई डिस्कस दिस पॉइंट वर्ट इज बिंग टर्म डब ये भी हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है दिस इज ऑल्सो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इंटरमीडिएट कैरेज वे वाला बता दीजिए फिर से अब लो भाई ये हमारी इंटरमीडिएट कैरेज वे है लो ये इंटरमीडिएट कैरेज वे है। दो कैरेज वे के बीच में कैरेज वे उसे इंटरमीडिएट कैरेज वे बोल देते हैं लास्ट पॉइंट टेबल का पर लेन लास्ट पॉइंट सबसे पहले बताया था ये जो लास्ट पॉइंट है ये ये तो सबसे पहले बताया था रहा अगर मल्टी लेन है यानी दो से ज्यादा लेन है तो पर लेन विध कितनी लोगे थ्री मीटर सबसे पहला पॉइंट बताया था यह अगर दो से ज्यादा लेन है पर लेन की वृथ कितनी लेके चलूंगा 3.5 मीटर लेके चलूंगा भैया उसी विलेज रोड का तो बताया रूरल हाईवे ही है ये टॉकिंग अबाउट रूरल हाईवे ओनली तो ये भी हमारी एक क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है दिस इज ऑल्सो फॉर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट तो पहला हुआ पेमेंट सर्विस कैरेक्टरसिक्स द फर्स्ट इज पेमेंट सर्विस कैरेक्टरसिक्स दूसरा हुआ हमारा क्रॉस क्रॉसलोप और कैम्बर तीसरा हुआ हमारी विर्थ दर्ड इजॉर्ट तो तीसरी हमारी विर्थ हो गई फोर्थ ऑफ दी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट चौथा जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट अवेलेबल है हमारे पास इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर तो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर या अभी आप और क्या बोल सकते हो या और क्या बोल सकते हैं डिवाइडर भी बोल सकते हैं यू कैन से डिवाइडर ऑल्सो अच्छा फंक्शन क्या होता है इसका इन हाईवेज दिवाइडेड कैरेज वे और द पेमेंट इन हाईवेज डिवाइडेड कैरेज वे दीडियन बिटवीन दम एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दू से ट्रैफिक लेवमेंट ऑफ द्कल इन ऑपोजिट डायरेक्शन से थोड़ा ना आपके पास एक लेन है इट इज इंटेंटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द्कल इन वन डायरेक्शन आपके पास दूसरी लेन है इट इज इंटेंटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन दोनों लेन के बीच में आपने क्या प्रोवाइड कर रखी है मीडियम प्रोवाइड कर रखी है तो अगर आपके पास दो लेन है और दो लेन के ऊपर व्हीकल की मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डिवाइडेड कैरेज वे के अंदर हम बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं इफ दैरेज वे इज डिडेड अगर अनडिवाइडेड है कोई मीडियम नहीं होगी इफ देर इज अ डिवाइडेड कैरेज वे यू हैव टू प्रोवाइड द दीडियम इन बिटवीन आपको मीडियम प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्लियर चीज चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अच्छा फंक्शन क्या होता है मीडियम का सो फॉर डिवाइडेड कैरेज वे दंक्शन ऑफ द मीडियम इज वॉट फंक्शन ऑफ द मीडियम इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन जो ऑपोजिट साइड में व्हीकल चल रहे हैं इनका हेड ऑन कोलिजन नहीं हो इसको अवॉइड करने के लिए हम किसे यूज करते हैं इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं मीडियम को मीडियम हेड ऑन कोलिजन को तो बचाती है पर साथ में और भी बहुत सारे फंक्शन है पहला इट विल चैनलाइज द दैफिक इंटू स्ट्रीम्स इट विल प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियन जो पेडेस्ट्रियन रोड

स्लो ट्रैफिक को भी सेग्रीगेट करने में हमारी हेल्प करती है तो मीडियम हेड ऑन कोलिजन बचाती है मीडियम ट्रैफिक फ्लो को चैनलाइज करती है मीडियन पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट करती है मीडियम ग्लेयर को रिड्यूस करती है नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करती है मीडियन सेग्रीगेट करती है स्लो ट्रैफिक को अब इतने सारे इंपैक्ट हैं किसके मीडियन के क्लियर चीज चलो ये बात भी समझ में आती है दिस पॉइंट कैन ऑल्सो भी अंडरस्टूड अब इसकी रियल पिक्चर दिखा रखी है आपको सो दिस इज मीडियन ये हमारा मीडियन है दिस इज मीडियन दिस इज ऑल्सो मीडियन ये भी हमारी मीडियन है दिस इज ऑल्सो मीडियन तो ये सारे मीडियन के एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द मीडियं आर बिंग शोन टू यू स्लो ट्रैफिक कैसे सेग्रीगेट करेगी अभी दिख जाएगा यहीं पे कहीं पे दिख जाएगा अभी आगे पिक्चर है तो स्लो ट्रैफिक को कैसे सेग्रीगेट करेगी स्लो ट्रैफिक को कैसे सेग्रीगेट करेगी एक फोटो है मेरे पास जहां पे स्लो ट्रैफिक सैग्रीगेट हो जाएगी मीडियन का स्पेसिंग क्या होता है मीडियन का स्पेसिंग तब पता चलता है जब हम क्लास में चुपचाप बैठ के टॉपिक खत्म होने दे मीडियम की स्पेसिंग तभी पता चलती है हमें जब हम क्लास में चुपचाप बैठ के टॉपिक को सुनने और टॉपिक को खत्म होने दे तो मीडियन की बेट्स अपने आप पता चल जाती है चलो आगे बढ़ते हैं विल कंटिन्यू तो हम बात कर रहे थे किसकी मीडियन की सो so, मीडियन का पर्पस क्या होता है द so, पर्पस पर्पस ऑफ मीडियन मीडियन दैट वी हैव डिस्कस्ड तो का निकल के आ गया मीडियन की आपको पिक्चर्स भी दिखा दी पिक्चर्स ऑफ द मीडियन इज शोन टू यू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस मीडियन को आप प्रोवाइड कैसे करते हो मीडियन को आप प्रोवाइड कैसे कर सकते हो मीडियन को दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं आप मीडियम तो को फिजिकल डिवाइडर के फॉर्म में, में भी प्रोवाइड कर सकते हो इस फिजिकल डिवाइडर को मैकेनिकल सेपरेटर भी बोला जाता है दिस फिजिकल डिवाइडर कैन ऑल्सो बी टर्म एज वॉट मैकेपरेटर तो मीडियम को एक बार किसके फॉर्म में फिजिकल डिवाइडर के फॉर्म में दे सकते हैं या मीडियन को हम एक मार्किंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं तो बस एक मार्किंग प्रोवाइड कर दी बीच में और ये मार्किंग कैसे दिखेगी आपको ये मार्किंग दिखेगी ऊपर से जाके अभी इस वाले डायग्राम में नहीं दिखेगी मैं एक रियल पिक्चर में आपको मार्किंग भी दिखा दूंगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारी जो मीडियन है इसकी डिजायरेबल वेथ होती है आठ से लेकर चौदह मीटर के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रूट हमारे जो मीडियम है इसकी डिजायरेबल कितनी है? 8 से लेके 14 मीटर अब ये 8 से 14 में हमारे पास प्रोविजन होता है, हमें पता है में होगा, तो मैं यूज करूंगा ओनली नेक्स्ट अगर आपको ग्लेयर ऑफ हेडलाइट भी रिड्यूस करनी है उस सिचुएशन में मिनिमम विर्थ विच इज रिक्वायर्ड इज सिक्स मीटर तो ध्यान रखना यह कंडीशन बहुत बार पूछी हुई है तो डिजायरेबल कितनी है डिजायरेबल है आठ से लेके चौदह मीटर पर अगर मीडियम से आपको ट्रैफिक की ग्लेयर को भी रिड्यूस करना है उस सिचुएशन में मिनिमम आपको छह मीटर देनी पड़ेगी इन दैट केस मिनिमम सिक्स मीटर नेक्स्ट आईआरसी क्या रिकमेंड करता है आईआरसी रेकमेंड्स मिनिमम रिकमेंड मिनिमम 5 फाइव मीटर फॉर द मीडियम कम से कम पांच मीटर की तो होनी चाहिए हां जहां पर जगह नहीं है आपके पास आप इसको रिड्यूस कर सकते हो कहां तक तीन मीटर तक

तो जहां पर भी मीडियम की वृथ्थ को रिड्यूस किया जा रहा है ट्रांजिशन प्रोवाइड करोगे सडनली विध को रिड्यूस नहीं करोगे कि यह मीडियम की है सडनली घटा दी तो कहने का मतलब है सडन रिडक्शन ऑफ विल नॉट बी कैरिड आउट आपको ट्रांजिशन देनी पड़ेगी कितनी वन इन फिफ्टीन टू वन इन ट्वेंटी अब ये सारी वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट नेक्स्ट अर्बन एरिया में मिनिमम विद्ध ऑफ द दीडियम बी प्रोवाइडेड इज पॉइंट टू मीटर डिजायरेबल इज वन पॉइंट फाइव मीटर एक्सप्रेस वेज में मिनिमम विथ टू बी प्रोवाइडेड इज ट्वेल्व मीटर एंड डिजायरेबल इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव मीटर तो आपने तो एक वैल्यू पूछी थी कम से कम दस वैल्यू बता दी कम से कम दस वैल्यूज बता दी आपको एटलीस्ट टेन वैल्यूज आई हैव डिस्कस्ड क्लियर है मीडियन को मार्किंग के फॉर्म में भी दिया जाता है मीडियन कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मार्किंग अब मार्किंग की फोटो आपको देखनी है वो पिक्चर है मेरे पास तो मार्किंग की फोटो आपको देखनी है ये लो मार्किंग के फॉर्म में भी मीडियन होती है देखो दिस इज मीडियन ये मीडियम है हमारी किस फॉर्म में मीडियन ये दिस मीडियन इज इन फॉर्म ऑफ द मार्किंग बारह मीटर बहुत ज्यादा नहीं है तुम अपने एक्सप्रेस हेवे में कम कर लेना तुम जो एक्सप्रेस वे प्रोवाइड करोगे उसमें कम कर देना क्लियर है चलिए चलो सफिशियंट है आज के लिए इट इज सफिशियंट फॉर टुडे बाकी कल की क्लास में कर लेते हैं विल डिस्कस टमारोज क्लास कल मेरे ख्याल से आपका ये खत्म हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में क्या क्या बचा हुआ है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में कब बची हुई है एक कब, कब बचा हुआ है शोल्डर बचा हुआ है फिर कब है शोल्डर है और फिर हमारे पास एक और है रोड मार्जिनस तो कल आपकी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट खत्म हो जाएगी कल हम स्टार्ट कर देंगे टमोरो विल बी स्टार्टिंग विद साइड डिस्टेंस तो साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन भी स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में चलिए थैंक यू एवरी थैंक यू